वालेकुम अस्सलाम सॉरी जी फॉर द वालेकुम सलाम इनकन्वीनियंस। वो लोगों का रिस्पांस और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि अमेजोन ने, तो विद इन फर्स्ट मिनट ही हमारी कैपेसिटी जो है ना वो फिल हो गई है। हम इसे अपग्रेड करते हैं अपने जूम लिंक जूम पैकेज को। हमारी आईटी टीम इसे फेसबुक लाइव स्ट्रीम भी कर रही है, तो हम इसे फॉर्मली शुरू करते हैं। मेरे ख्याल सारे स्पीकर्स ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से ये वक्त निकाला। और ये बेसिकली एक अवेयरनेस सेशन है जिसमें हम अपनी एसएमईज को और दूसरे एक्सपोर्टर्स को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप कर पाए हैं अमेजोन के मुताबिक। और चूंकि एक एक कॉशन प्रैक्टिस करने की भी यहाँ पे जरूरत है कि ये ना हो कि इनिशियली हम अमेजोन की पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को अच्छे तरीके से समझे बगैर अकाउंट बना लें और कुछ पॉलिसी वायलेशंस की वजह से कोई ऐसी पेनल्टीज हम पर इम्पोज कर दी जाए जिसका कोई नुकसान हो। तो हमारे जो वेबिनार का स्ट्रक्चर है वो इंटरेक्टिव है, क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। आप सबको हमने एक होस्ट बना दिया है, आप जब चाहें इसमें बीच में अपना कीमती इनपुट दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा डायरेक्टर जनरल सर्विसेज डिवीजन मिस्टर अब्दुल करीम मेमन साहब को एक वेलकम स्पीच के लिए, कि वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक फॉर्मली एक वेलकम दें। सर थैंक यू रॉयल। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है अपना रोल जो है हर मौके पे अदा करता रहा है, और सिंस लास्ट 1 ईयर जो है कोविड की वजह से हमारा काम भी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अलहमदुल्ला हमने कोविड के दौरान भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और हमारे लॉकडाउन के दौरान जो कंपनीज को प्रॉब्लम आ रही थी एक्सपोर्ट कंपनीज की, उनके ऑर्डर्स को वेरीफाई किया हमने दिन रात देख करके, और हमने उनको डिस्टर्ब नहीं होने दिया क्योंकि अदरवाइज वो सारे बंद हो जाते तो हमारी एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो जाती। और हम आप सब लोगों को बताया कि रेगुलर एग्जीबिशंस डेलीगेशंस भेजते रहे हैं रहते हैं, लेकिन कोविड की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए। तो हमने एक और सिलसिला शुरू किया वेबिनार्स का, जो हंड्रेड्स में हमने जो है पिछले 1-1.5 साल में की है, और उसमें B2B मीटिंग्स हैं। हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के प्रमोशनल कैंपेन्स चलाई, मैंगो की चलाई, डेट्स की चलाई, और हम अभी हमारे जो इकोनॉमिक आउटरीच इनिशिएटिव में है कि हम और भी प्रोडक्ट्स, जैसे हमारा पाकिस्तान का पिंक साल्ट है उसकी भी प्रमोशनल कैंपेन इंशाल्लाह चलाएंगे। ये थोड़ा मौजूद से हटकर था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करा दें अपने आप हमारे काम को। तो अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी लोगों को, एक्सपोर्टर्स को मिल रहा है, वो एक बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है। इंशाल्लाह हमारे लोग उसको उससे मुस्तफीद होंगे, और जो है हम कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों की उस प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग हो, क्योंकि जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो है बगैर समझे जो है ना लोग कर जाके बड़ी गलतियां करें। और हमने देखा है कि हमने कहा कि आप जो इंटरेस्टेड लोग हैं हमें बता दें, तो हमें एक दिन में 2000 की एप्लीकेशन आ गई कि हम सारे इंटरेस्टेड हैं, बगैर देखे कि हमारी तैयारी क्या है क्या नहीं है। और अमेजोन को की गाइडलाइंस पढ़े बगैर जो है उन्होंने 2000 एक दिन में इंटरेस्ट आ गए। तो इंशाल्लाह ये अगर ट्रेंड्स का सिलसिला रहा तो हमारे लोग इसको बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। चैलेंजेस भी हैं, जो है लॉजिस्टिक का चैलेंज है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे जो चैलेंज है कि वो जो है रिमिटेंसेस जो है देश का, इंशाल्लाह ये सारे इश्यूज हल हो जाएंगे और हम जो है प्रॉपर इसका अमेजोन के प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठाएंगे और पाकिस्तान की इंशाल्लाह बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड रिमार्क्स। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवा लूँ। हमारे पास इंडस्ट्री के इस वक्त जो बेहतरीन माइंड्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, इनवाइट हमने किए हैं, उनके बहुत
शुक्रिया नवाजिश कि उन्होंने अपने इस चीज के लिए टाइम निकाला। हमारे साथ खुर्रम खालिद साहब हैं जो कि एनेबलर्स में लीड एम्बेसडर ट्रेनर हैं। इनका मार्केटिंग में, सेल्स में, ई कॉमर्स में इनका एक वसी तजुर्बा है। इनके साथ हमारे जनाब फरूख मलिक साहब हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड ऑफ एनेबलर्स हैं। और एक वन लाइनर इंट्रोडक्शन है इनका कि ये सिक्स फिगर सेलर ऑन अमेजोन है USA और UK में। इनके साथ हमने एक्सट्रीम कॉमर्स से मकसूद अहमद साहब हैं, आप हेड ऑफ इलीट डिवीजन ऑफ एक्सट्रीम कॉमर्स हैं। काशिफ जाफरी साहब हैं एक्सट्रीम कॉमर्स से, और असफन यार फरूख साहब हैं जो कि नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल जो कि एपेक्स बॉडी है जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक स्टेक होल्डर्स बैठ के, और जिनकी इनफैक्ट जिन्होंने ये आइडिया, ये जिनका ब्रेन चाइल्ड था और जिन्होंने कंसेप्चुलाइज किया और एक कंसर्टेड एफर्ट्स के बाद अमेजोन पाकिस्तान में आए। तो नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल डिजर्व्स अ बिग शाउट आउट हियर। सो सबसे पहले जो मेरा एक, क्योंकि हमारा इस वेबिनार का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कि एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और जो डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो हम बाद में कर लें। तो मेरा सबसे पहले मकसूद अहमद साहब से ये पहला क्वेश्चन ये है कि आप क्या देखते हैं कि अगर इस वक्त जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं स्टेट बैंक के या लॉजिस्टिक्स के जो चैलेंजेस हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं कि हम अमेजोन के थ्रू कितना बड़ा जंप अपनी एक्सपोर्ट्स पे लगा सकते हैं? क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस रियल हैं सर? Okay, sir. Sir, first of all, thank you very much for this initiative. I must commend the effort of all the government departments, Ministry of Commerce, US mein hamari jo embassy hai aur consulate LA ki, uske alawa CEC aur Ministry of Commerce, aap PDA jis tarah se kafi ek mobilization kar rahe hain, jo kyunki you are the interface between the key stakeholders. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेल डन एंड आई रियली अप्रिशिएट आपके इनिशिएटिव्स, और आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक यू कि आपने हमें दावत दी है ताकि हम अपना कुछ रोल पॉजिटिवली प्ले कर सकें। जैसे आपने कहा था कि आज हमारा फोकस होगा हम टॉप लाइन्स पे बात करें और हम एक ओवरऑल अवेयरनेस और जो एक मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं उस पर हम अपनी ऑडियंस को एड्रेस करें। उससे पहले जो आपने सवाल पूछा, तो उससे पहले मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा और थोड़ी सी अपनी ऑडियंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। तो इफ यू कैन अलाउ मी टू शेयर, आई कैन जस्ट शेयर दिस स्लाइड, और इफ यू वांट आई कैन सेंड यू बाय यू व्हाटएवर यू से। सर, वी हैव मेड यू को-होस्ट, आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक द होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। So let me, Kashif, आपके पास आ रहा है वो? Are you able to share? अब मैं कर सकता हूँ सर। थैंक यू सर। मैं अब now I can। अच्छा, तो हम आते हैं, हम जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन कर देते हैं। माय नेम इज मकसूद अहमद, आई एम लीड डिवीजन हेड इन एक्सट्रीम कॉमर्स। उसके अलावा प्रायर टू दैट आई वाज एसोसिएटेड विद अलमराई, आई हैव स्पेंट 5 years इन मिडल ईस्ट, एंड प्रायर टू दैट आई हैव वर्क विद कोलगेट मल्टीनेशनल कोकोला, और ये मेरा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है। हम स्ट्रीम कॉमर्स में हमारी विजन और हमारी भी जो एफर्ट्स हैं वो यही हैं कि हम पाकिस्तान में एफएक्स ले आए थ्रू ई कॉमर्स। तो पहले, इससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी ऑडियंस को समझाएं कि ओवरऑल ये एफर्ट्स तरह से जारी है और ये फ्लो क्या है, वर्किंग किस तरह से चल रही है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन पहले कर लूँ। तो इसमें अगर मैं ओवरऑल देखूं तो वो ये है कि आपने अमेज़न पे काम किस तरह से करना है और किस तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं। हम कहते हैं कि एक मॉडल ये है कि अमेज़न पे आप FBA के मॉडल पे जा सकते हैं जिसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न।
मतलब ये हुआ इन अदर वर्ड्स कि आपने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में रख, आपने अपना एक शॉप ऑनलाइन शॉप जिसको हम लिस्टिंग का नाम देते हैं वो क्रिएट कर देते हैं, और आपके पास जैसे जैसे कस्टमर ऑर्डर करता रहता है उस बाद पिक पैक शिप और पेमेंट प्रोसेसेस एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय अमेजोन। तो ये एक ऑटोमेशन का सबसे बड़ा एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। इसमें मैन्युफैक्चरर आप हैं प्रोडक्ट, पाकिस्तानी से मैं मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि आप हैं मैन्युफैक्चरर, आप यहां पर हैं, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि पहले मैं देखूं कि जी मैंने अपनी प्रोडक्ट्स भेजी अमेजोन के वेयर हाउस में, अमेजोन के वेयर हाउस के भेजने के बाद कस्टमर ने ऑर्डर किया, अमेजोन ने पिक पैक शिप किया, फिर अमेजोन ने उसको कस्टमर को शिप भी कर दिया और प्रोडक्ट हो गया। अब इस प्रोसेस में अमेजोन के पास जो कस्टमर ने जब परचेज किया था उस वक्त उन्होंने पेमेंट की, वो डॉलर आया, और वो क्योंकि मैं एज अ सेलर पाकिस्तानी हूँ तो मेरे जो आईडी है उसमें जब मैंने क्रिएट किया था तो उस वक्त मेरा हाइपर वॉलेट कनेक्टेड था, मेरा कोई और बिजनेस ऑप्शन बैंकिंग ऑप्शन वो कनेक्टेड है, तो वो मैं बता दूंगा कि महीने में दो दफा प्रोसीड्स मेरे पास सेल्स प्रोसीड्स यहाँ पे ड्रॉप होती हैं मेरे इस अकाउंट पे। तो 14 to 28 डेज का एक साइकिल होता है। इनिशियली जब आप इनिशियल लॉन्च करते हैं पहली दफा तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, महीना डेढ़ महीना, उसके बाद जब आपकी साइकिल क्रिएट हो जाती है, आपकी एक हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है, तो महीने में दो दफा आपको अमेजोन वो सेल्स प्रोसीड्स से आपको ट्रांसफर कर रहा होता है। तो सेलर को उन्होंने हाइपर वॉलेट के थ्रू पेमेंट की, और हाइपर वॉलेट में फिर आप लोकल बैंक में आप अपने पास विदड्रॉ कर सकते हैं, और ये एक पूरा एक क्विक सा एक छोटा मोटा प्रोसेस है। अब मैं सर आपके आता हूँ, आपने पूछा कि स्कोप क्या है पाकिस्तानी के लिए, कितना पाकिस्तान में जंप आता है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट में कितनी हम इम्पेटस देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस होल अमेजॉन जर्नी। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ग्लोबल ई कॉमर्स को एज एन इंडस्ट्री देखें तो इस वक्त 4.5 trillion की एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री का साइज इन वैल्यू। अगर आप 2019 और 2020 में देखें तो इट मूव फ्रॉम 3.5 to 4 trillion बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड पैंडमिक। ये और ई कॉमर्स ग्रो किया है, और बेशक दूसरी इंडस्ट्री ने सफर किया हो लेकिन ई कॉमर्स इज वन ऑफ द बिग बेनिफिशरी ऑफ दिस पैंडमिक। मेनी कंज्यूमर्स हैव शिफ्टेड ऑनलाइन परचेजिंग, से एक अलग अपॉर्चुनिटी आई है, उसकी वैल्यू और गई है। तो अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि 2024 तक ये इंडस्ट्री का साइज इस इंडस्ट्री का $6 trillion का हो जाएगा। मीनिंग अगर मैं और थोड़ा सा सिंपल वर्ड में दे दूं कि इस वक्त यूएस की इकोनॉमी का साइज $1.5 trillion का होगा, $2 trillion का होगा, ठीक है। तो उसका 3 times की साइज की हम बात कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। अच्छा, उसमें फिर हम देखते हैं कि अमेजोन का कितना जंक है। अमेजोन जो है इस रिटेल ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में 40% शेयर रखता है, तो सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो अमेजोन है। और इसीलिए जो हमारी पूरी जो गवर्नमेंट है सब कुछ है, उन्होंने एफर्ट किया है कि अगर मैं देखता हूं कि 40% विद इन ई-कॉमर्स है। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि उसमें ज्योग्राफी कौन सी है, तो यूएस सबसे बड़ी मार्केट है अमेजोन के लिए, फिर यूके, जर्मनी एंड जापान, दी 4 आर दी बिगेस्ट मार्केट। हैविंग सेड दैट, ये बिगेस्ट मैं इस वजह कर क्वांटम के हिसाब से कर रहा हूं, लेकिन हैविंग सेड दैट अदर मार्केट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और उनमें भी पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल कैनेडा है, फॉर एग्जाम्पल यूएई मार्केट है, सऊदी मार्केट है, मिडल ईस्ट की मार्केट है, मतलब अमेजोन मार्केट प्लेस बहुत जगहों पर है। तो उससे हमें कोई वो परेशानी नहीं है कि हम सिर्फ यूएस में सेल कर सकते हैं या दूसरे में। लेकिन अमेजोन के सेलर सेंट्रल में ये एक आपको पास अमेजोन ऑप्शन देता है कि जब भी आप अगर यूएस में अगर आप सेल कर रहे हैं तो अमेजोन आपको राइट्स और मार्केट प्लेसेस में भी ऑपरेट करने के लिए दे देता है। तो आप एक ही इंटरफेस से बाकी मार्केट्स में एक ही जगह पे बैठ के आप ऑपरेट कर सकते हैं बाय डूइंग सम सर्टेन एक्शंस। तो ये हो गया ओवरऑल एक हम देख रहे हैं कि कितना प्लेटफॉर्म अब पाकिस्तानी रेजिडेंट के लिए ओपन हो चुका है। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं हमारी अपनी एक्सपोर्ट्स को। ये तरीके दो हैं, एक वो है जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर है, एंटरप्रेन्योर है, और वो राइट प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी काम कर रहा है। नहीं, मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूं।
आप देखें कि Amazon पे टॉप 10 कैटेगरीज, ऐसी टॉप 10 कैटेगरीज कौन सी हैं जो सबसे बड़ा वॉल्यूम रखती हैं? आपको बहुत खुशी लगी होगी कि होम एंड किचन अकाउंट फॉर 40% ऑफ देयर वॉल्यूम, फॉलोड बाय स्पोर्ट्स एंड आउटडोर इज 21%. सो मीनिंग अगर मैं सेपरेटली कहूं तो होम एंड किचन में टेल भी आ जाता है, होम एंड किचन में यूटेंसिल्स की प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, स्टील की प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, क्रॉकरी भी आ जाती है. तो इट मींस ये हमारे लिए कितना बड़ा रेलेवेंट है. लेकिन आपने जैसे स्टार्ट में बहुत अच्छी बात कही कि भाई या करीम कही थी कि आप रश मत करें, डू योर होमवर्क, मेक अ क्लियर बिजनेस प्लान. जैसे आप किसी और प्लान एक्सपेंशन का प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर भी क्लियर बिजनेस प्लान बनाने की जरूरत है. यू कैन नॉट ऑपरेट के यार ये मैं तो जो है ना छुरियां बना सकता हूँ, मैं छुरियां जाके सेल करूंगा. अप्रोच थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट करनी, इससे प्रोडक्शन सेंट्रिक नहीं करनी पड़ेगी, हमें कंज्यूमर सेंट्रिक करनी पड़ेगी. हमें ओरिएंटेड अपना प्लान क्रिएट करना पड़ेगा कि इस वक्त अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे कौन सा है जो सेल हो रहा है. अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अब मैं ऑडियंस की एंगेजमेंट के लिए मैं थोड़ा सा रियल एग्जाम्पल दूंगा ताकि मैं बात करूं और आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊं कि जी हो क्या रहा यहाँ पर. अब मैं एक आपको मजे की चीज दिखाता हूँ. ये देखिए सर, ये मैं अभी amazon.com पे हूँ और मैं यहाँ पर मैं एज अ कस्टमर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ कि सीजर या मैं लिख लेता हूँ नाइफ. ठीक है सर, मैंने नाइफ लिखा, मैंने नाइफ सेट पे पिक किया. अब ये जो मैं वर्ड एंटर कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं सर्च टर्म. और जब सर्च टर्म को अगर कोई एडवर्टाइज करता है तो उसको कीवर्ड बोल देते हैं, लेकिन ये सर्च टर्म है जो एक कस्टमर डाल रहा है. अब ये है, एक आप इस प्लेटफॉर्म की और ब्यूटी देखिए कि ये गूगल सर्च नहीं है. गूगल सर्च पे आप हाउ टू वियर मास्क, हाउ टू डू दिस, हाउ टू दिस, गूगल सर्च इज एक्सप्लोरेटरी. यहाँ पर परचेज इंटेंशन के साथ आप है. मतलब अमेजोन का ऐप आप इसलिए नहीं खोलेंगे कि जी मुझे देखूं कि दुनिया में 5 अजूबे कौन से, नहीं, यहाँ पर आएंगे, यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड व्हाट वांट, ऑल यू नीड टू डू इज पुट योर सर्च टर्म हियर सो दैट यू गेट द रिजल्ट्स. मैंने यहाँ पे नाइफ सेट लिख दिया. अब सर देखिए नाइफ सेट्स कितने हमारे पास आ गए हैं इस वक्त. अब ये नाइफ सेट्स किस टाइप के हैं, ये एक प्रॉपर हम गाइड करने के लिए मौजूद हैं और हमारे जो एक्सपर्ट है, जो 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 एंटरप्रेन्योर है, मैन्युफैक्चरर है, जो ये काम कर रहा है ऑलरेडी, वो कह रहे हैं नाइफ तो मैं बनाता हूँ, ठीक है नाइफ बनाते हैं, लेकिन हमने ये देखना है क्या ये नाइफ बनाना जो जो कंज्यूमर मांग रहा है उसमें इनफ डिमांड है, इनफ कॉम्पिटिशन है, प्राइसिंग क्या चल रही है, लॉजिस्टिक्स क्या है, और मजीद और कॉम्पिटिशन कितना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या देख रहे होते हैं, ये रिव्यूज देख, इस बंदे के पास 10,000+ रिव्यू हैं. ये रिव्यू कलेक्ट करना या रिव्यू जो आप जो एस्टेब्लिश करते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. फिर हम देखते हैं कि अच्छा कितने ऐसे बंदे हैं, पन क्या चल रही है, अच्छा ये $58 ये बंदा बेच रहा है. ठीक है सर, अब $58 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं रफली बोलूं ये तकरीबन 9,000 रुपए का ये सेट बेच रहा है बंदा. इसी तरह से कोई 59 का बेचता है. यहाँ हम ये देखते हैं, ये देखें वीडियो है, ये पूरा यहाँ पर अगर कोई एडवर्टाइज करेगा तो उनका भी प्रोडक्ट यहाँ पर नजर आएगा, कोई पाकिस्तानी सेलर होगा. लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि हमें कंज्यूमर ड्रिवन अपनी चॉइसेस और डिसीजन लेने हैं. हमने अपनी प्रोडक्ट भी उसी तरह से, अगर लेट्स से आपने देख कर, आपने चेक कर लिया कि जी मेरी प्रोडक्ट जो है वो बहुत जबरदस्त है और मैं कंज्यूमर की डिमांड को समझ गया हूँ, अब मैं डेवलपने लगा हूँ. सर आप डेवलप करेंगे लेकिन अगेन यू विल असेस कि आपके बेस्ट सेलर क्या सेल कर रहे हैं, टॉप 10 सेलर क्या कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट क्या है, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उन प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, कंज्यूमर क्यों ले रहा है, के पेन पॉइंट्स क्या हैं, कस्टमर की क्या ऐसी नीड्स हैं फुलफिल. अच्छा अमेजोन के अंदर आप हर चीज सकते हैं, डेटा की कोई मतलब आपको कोई मसला ही नहीं है डेटा का. आप यहाँ जाएंगे, आप देखेंगे अच्छा यार मैं देखता हूँ कि कंज्यूमर के रिव्यूज क्या हैं, कंज्यूमर क्या लिख रहा है, क्या पकड़ रहा है, क्या नहीं कर रहा, अच्छा जबरदस्त, अब मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. फिर आप एक इसकी बिजनेस कैपेबिलिटी बनाएंगे कि अच्छा यार अगर ये 58 का बेच रहा है, अगर मैं पहुंचता हूँ, अब ये 58 का ब्रेकअप क्या, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा रिटेल प्राइस है जो मैं अमेजोन पे सेल कर सकता हूँ इस प्राइस पे. इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझसे कोई पूछता है यार इसमें प्रॉफिट कितना आएगा मेरा. सर प्रॉफिट के लिए एक सिंपल सा रूल है, 100 को डिवाइड बाय 3 कर लें आप. अच्छा क्या मकसद, 100 को डिवाइड बाय 3 करने का मकसद ये हुआ कि 33% मुझे, मैं ये एवरेज आपको बता रहा हूँ, यू तो हम केस टू केस चलेंगे,
मैं एक 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 और सिंपल वर्ड में अपनी ऑडियंस को समझाना चाह रहा हूँ कि अमेजोन पे एंड टू एंड कॉस्ट और प्रॉफिट किस तरह से ऑपरेट होता है। वो ये होता है कि $100 की प्राइस है, डिवाइड बाय 3 करें, 33% अमेजोन चले जाएगा। कैसे? अमेजोन अपनी रेफरल फी चार्ज करता है ऑन एन एवरेज 15%, इट वेरीज फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी, लेकिन ऑन एन एवरेज 15% चला जाता है। 15% आपके अगर $100 की एक प्राइस है, 15% तो उधर चला गया, रिमेनिंग आप आज कहते हैं जी अमेजोन तो मैं FBA मॉडल पे कर रहा हूँ, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहा हूँ, तो वो उसमें क्या होगा, अमेजोन का आप जो है वो वेयर हाउस यूज करेंगे, स्टोरेज करेंगे, उसमें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होगा, पिक पैक शिप भी होगा, ये सारे लॉजिस्टिक्स की जो हैसल है वो अमेजोन करेगा, अमेजोन आपसे उसके भी चार्ज करेगा। तो 33% तो आपका उधर चला गया। फिर 33% में ऑन एवरेज प्रोडक्ट की लैंडेड कॉस्ट, मैंने पाकिस्तान से ये छुरियां भेजी और ऑल द वे वो यूएस के उनके FBA वेयरहाउस में पहुंचा, एंड टू एंड प्रोडक्शन से लेके लॉजिस्टिक्स, शिपमेंट, फ्रेट फॉरवर्ड, कस्टम्स, एवरीथिंग एंड टू एंड, लेट्स से 33% वहां पे लग गया। रिमेनिंग ऑन एन एवरेज मेरे पास पोटेंशियल है 30% का। अब ये 30% मेरा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की अब का मतलब ये है, ये मेरा अभी भी ये 33%, लेट्स मैनेज द एक्सपेक्टेशंस। ये 33% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। किसी भी बिजनेस में ऑपरेट करते हैं तो आपको थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, प्रमोशन चलाने पड़ते हैं, आपको कंज्यूमर को इंटरेस्ट करना पड़ता है, तो नेट नेट आपके पास 10-15% नेट प्रॉफिट आता है। अगर अब अज्यूम करें कि $100,000 आप सेल कर रहे हैं महीने के, 15% अगर लेंगे तो $15,000 $15,000 के पोटेंशियल नेट प्रॉफिट है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका ये एसेट है जो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बंदे को बोलूं कि जी मैक कुक मैं आपकी लिस्ट शॉप को बाय करना चाहता हूं, मैक कुक बोलेगा जा ये तो मेरे गुडविल प्राइस है। इसका मतलब है सर जो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उनका स्कोप अमेजोन पे थोड़ा सा कम है। इसके साथ ही सर मैं खुर्रम खालिद साहब को इनवाइट करूंगा और उनसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर अनइंटेंशनली हम कोई भी सेलर पाकिस्तान से रजिस्टर हो जाता है, क्योंकि इस वक्त हम सारे एक्साइटेड हैं, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर हम अनइंटेंशनली कोई पॉलिसी वॉयलेशन कर लेते हैं तो उसकी पेनल्टीज क्या होंगी और यूजुअली क्या होती हैं और कैसे करेक्ट की जा सकती है? सर जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन जी। जिस तरह आपने बताया कि टाइम कम है तो हम टू द पॉइंट बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि हम डायरेक्टली बस अकाउंट बनाने की तरफ ना चले जाएं। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट अकाउंट बना सकते हैं, तो हम सबसे पहले तो ये सोचें कि हमें अकाउंट ये किस लिए बनाना है, क्या अभी हम सेलिंग स्टार्ट करने लगे हैं नहीं करने लगे, या हम बेसिकली अकाउंट तब बनाएं जब हमने सेलिंग करनी है। अब अमेजोन की जो पॉलिसीज हैं या टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसकी वजह से आपकी लिस्टिंग सस्पेंशन भी हो सकती है और अकाउंट सस्पेंशन भी हो सकती है। लिस्टिंग सस्पेंशन के बहुत से डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, मसलन कि आपने किसी का पेटेंट प्रोडक्ट जो है उसको आप सेल कर रहे हैं तो वो आपकी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट पे लिस्टिंग बंद करा सकते हैं क्योंकि ये उनका पेटेंट है। फिर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है जिसकी वजह से कि किसी का ट्रेडमार्क है या ब्रांड नेम है या कोई भी उसके इमेजेस हैं, कुछ भी आपने अपनी लिस्टिंग में यूज़ किए तो उसकी वजह से भी आपकी लिस्टिंग्स बंद हो सकती हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट आई हुई है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट आई है, जो भी IP इन्फ्रिंजमेंट की कंप्लेंट्स हैं जो आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड है, अगर आप ये रिजॉल्व नहीं करते तो एट द एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। फिर इसके अलावा आप रिव्यू मैनिपुलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा रिव्यूज ले लेते हैं, आपकी सेल्स इतनी नहीं है लेकिन आपने रिव्यूज ले लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 यूनिट सेल किए, उन 50 यूनिट्स के ऊपर आपने 50 रिव्यूज ले लिए। फिर आप काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जाली प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इशू है। सो ये सब कुछ मिला के जो है ये लिस्टिंग सस्पेंशन अगर होती है तो अल्टीमेटली आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि हमने मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाने सेम ID के ऊपर। ये हम फॉर एग्जाम्पल मैं अपना CNIC या पासपोर्ट यूज करते हुए मल्टीपल अकाउंट्स बना देता हूँ, ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। या सेम इवन के मैं सेम एड्रेस के ऊपर बार बार मल्टीपल अकाउंट्स बना रहा हूँ, दैट वी शुड डू। सो ये सारी चीजें हैं जिससे हमारी लिस्टिंग सस्पेंशन हो सकती है, अकाउंट सस्पेंशन हो सकती है, और बेसिकली हमने तब तक ख्याल करना है या सेलिंग जब तक हमने करनी नहीं है, हम अकाउंट बनाए ना, पहले चीजों को लर्न करें, ये बहुत जरूरी है।
थैंक यू सो मच। अच्छा सर, इसमें मेरा एक बस एक सप्लीमेंट्री सा क्वेश्चन है कि जो पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और आईपी रजिस्ट्रेशन है, ये सेलर कंट्री में होना चाहिए या बायर कंट्री में होना चाहिए? ये सेलर कंट्री देखें, बेसिकली जहां पे आप सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में सेल कर रहे हैं या यूके में सेल कर रहे हैं, तो उस मुल्क का आपको पेटेंट और ट्रेडमार्क चेक कराना, वहां पे आपने पेटेंट और ट्रेडमार्क अपना कराना है अगर आप सेल करना चाहते हैं। यानी हम अगर पाकिस्तान में हम रजिस्टर करते हैं और यूएसए में बेचते हैं, तो हमारे पेटेंट्स यूएसए में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे? नहीं है, हमें यूएस में पेटेंट कराना। राइट सर, एक इसी से अब मैं इनवाइट करता हूँ फर्रुख मलिक साहब को, और उनसे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो 25% ऑफ द एक्सपोर्ट्स हैं वो एसएमईज कर रही हैं, इकोनॉमिक बिजनेस एंटिटीज कर रही हैं, जो और उनमें 90% सोल प्रोप्राइटर्स हैं, तो क्या सोल प्रोप्राइटर्स एज ए कंपनी अमेजोन में एक्सेप्टेबल है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। देखें, अभी तक जो हमें रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि अभी तक अमेज़न ने पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कि हमारी SECP से वेरीफाइड और डॉक्यूमेंटेड होती हैं, उनको अप्रूव अभी किया है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जब आप SECP से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करते हैं तो वो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी देता है, वो फॉर्म 29 भी देता है, वो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी देता है, वो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी देता है। तो ये सब चीजें जब आपके पास होती हैं तो ये अमेज़न को चाहिए होती हैं फॉर कंपनी रजिस्टर्ड बिजनेस अकाउंट, बिजनेस सेलर अकाउंट, ठीक है। जबकि सोल प्रोप्राइटर में यू जस्ट हैव एन NTN एज योर प्रूफ ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो आपका NTN सर्टिफिकेट है या आपका NTN नंबर है, दैट इज गोइंग टू बी द प्रूफ ऑफ एड्रेस। So when Amazon will ask you for the article of association या memorandum of association या incorporation certificate या form 29, so you wouldn't be able to provide the concerned documents or Amazon ultimately आपके account को approve नहीं करेगा, ठीक है। So the answer is we have to go with the private limited company with SECP। और इसके साथ साथ सर ये भी थोड़ा सा हमें educate कर दें कि seller registration के लिए जो basic documentation है वो क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ताकि हम पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें और देन फिर एक ही दफा बैठ के सेलर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और सेकेंडली, इसमें कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होगी पाकिस्तान में सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए? ओके, देखिए सबसे पहले तो हमें जैसे खुरम भाई ने भी बताया कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑन हाउ टू सेल ऑन अमेज़न रादर देन जस्ट गोइंग एंड क्रिएटिंग अकाउंट, ठीक है। डेफिनेटली आई विल टेल यू व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू वी नीड, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, कितने टाइप के सेलर अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड अगेन लाइक टू से कि प्लीज ट्राई टू लर्न द प्रोसेस। इट इज नॉट ईबे, इट इज नॉट एटसी, इट इज अमेज़न, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड, जिसको पूरा आपको समझने की जरूरत है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आपके एक आईडी के ऊपर आपको एक बार अमेज़न अलाउ करता है अकाउंट क्रिएट करना, और आप 20 प्लस मार्केट्स में उस एक आईडी से अकाउंट क्रिएट करके सेलिंग कर सकते हैं। सो इफ यू हैपन टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी, यू विल नेवर बी एबल टू मेक योर अकाउंट अगेन ऑन दैट आईडी, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखें दो किस्म के सेलर अकाउंट्स अमेज़न आपको अलाउ करता है क्रिएट करना, एक आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर और एक बिजनेस डिटेल्स के ऊपर। तो पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं जो हमें इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट या CNIC, ठीक है। अच्छा, एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब आप पासपोर्ट या CNIC की हम बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली स्कैंड और क्रॉप्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो पासपोर्ट यूजुअली ह्यूमन उसको देखता है, समहाउ वो मशीन भी रीड करके उसको स्कैन करके अप्रूव करती है अमेज़न के एंड पे, बड़े स्मार्ट एल्गोरिथम्स हैं उनके। सो यू हैव टू स्कैन इट प्रॉपरली, नंबर वन। और आपने पासपोर्ट के परस्पेक्टिव में जो आपका सिग्नेचर वाला नेक्स्ट पेज होता है वो भी आपने साथ ऐड करना है लाजमी, ठीक है। ओके, और जो आपका आईडी कार्ड है उसमें आपने फ्रंट और बैक दोनों को बड़ा क्लियरली स्कैन करके आपने अमेज़न को अपलोड करना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट में भी कई लोग ये समझते हैं कि जो उनको ईमेल पे बैंक स्टेटमेंट आती है वो अपलोड कर देंगे, जिसपे आपके बैंक का लोगो नहीं होता वो अमेज़न अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है। आपने बैंक की वेबसाइट पे जाके
उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आपने वो अपलोड करनी है, ठीक है, जिसमें उसका लोगो होगा। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है बैंक स्टेटमेंट। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है आपका नाम पे यूटिलिटी बिल। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में बड़ा आपने इस चीज को मॉनिटर करना है और एनालाइज करना है कि जो नाम के आपके स्पेलिंग्स हैं वो आपके आईडी जो भी था, चाहे पासपोर्ट था चाहे आपका आईडी कार्ड था, उससे हूबहू मैच करने चाहिए, ठीक है। और जो एड्रेस आपकी बैंक स्टेटमेंट पे होगा वो एग्जैक्टली वही हो जो आपने सेल सेंट्रल में मेंशन किया हुआ है। ये नहीं हो कि आपने सेल सेंट्रल में मुल्तान का एड्रेस दे दिया और आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो लाहौर की है, ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली वही एड्रेस हो, ओके। तीसरी चीज जो अमेजोन मांगेगा इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए वो है आपका यूटिलिटी बिल, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका गैस का बिल, कोई भी यूटिलिटी बिल हो आपका, जो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम नेम विद सेम स्पेलिंग्स और एग्जैक्टली वही एड्रेस जो आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके सैलरी अकाउंट पे था, वही सेम एड्रेस होना चाहिए आपके यूटिलिटी बिल पे भी, ठीक है। कुछ सिनेरियोस में हमने ये देखा है, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी अकाउंट भी इंडिविजुअल डिटेल्स पे क्रिएट कर लिया हुआ है, तो हमने कुछ देखा है कि कुछ अकाउंट्स में अमेजोन यूटिलिटी बिल मांगता है और कुछ में नहीं भी मांगता, तो लेकिन पहली दो चीजें दे आर मस्ट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए बिजनेस के ऊपर, के बिजनेस में आपसे क्या क्या मांगेगा। अगर आप बिजनेस डिटेल्स पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आपकी एससीसीपी से फॉर्मड है उस पे अगर आप डायरेक्टली अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्या मांगेगा आपसे। सेम आईडी आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट होगा। देखें, जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें एटलीस्ट दो लोग होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपका सवाल यह भी होगा कि उसमें से किसका हम आईडी यूज कर सकते हैं, तो किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दैट पर्सन विल बी द प्राइमरी कॉन्टैक्ट फॉर दैट अकाउंट, ठीक है। तो जो दूसरा पार्टनर है वो अपने आईडी से एक और अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है इफ ही और शी वॉन्ट्स, ठीक है। तो एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट होगा जी बिजनेस डिटेल्स के अंदर, उसी का आईडी यूज होगा, इधर पासपोर्ट और आईडी कार्ड। फिर आप बैंक स्टेटमेंट देंगे अपनी कंपनी की, बिजनेस की, और वो बिजनेस का एग्जैक्ट नेम जो आपने मेंशन किया सेलर सेंट्रल में आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, सेम वही आपकी बैंक स्टेटमेंट पे हो। उसके बाद जो एड्रेस आपने मेंशन किया सेलर सेंट्रल में अपने बिजनेस का, सेम वही बिजनेस का एड्रेस आपकी बैंक स्टेटमेंट पे आ रहा हो। और अगेन मैं रिपीट करूंगा कि लोगो होना चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बैंक का। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म 29 हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गए। ये आपसे अमेजोन बाद में मांगता है जब आप अकाउंट अप्लाई कर देते हैं ईमेल के जरिए, ठीक है। सेलर सेंट्रल पे जब आप क्रिएट करने जाते हैं उस वक्त वो आपसे दो ही चीजें मांगता है सिर्फ। पहली आपसे वो मांगता है आईडी और पासपोर्ट, कोई भी आपका आईडी, दूसरी आपकी बैंक स्टेटमेंट। और दोनों सिनेरियोज में, इंडिविजुअल डिटेल्स में भी और बिजनेस डिटेल में भी, आपसे वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी एंड में मांगेगा एज अ चार्ज मेथड, जिसमें वो आपको एक अमाउंट चार्ज करता है विच इज यूजुअली $40, ठीक है। बाय डिफॉल्ट Amazon $40 आपसे चार्ज करेगा और उसका अकाउंट जो होगा वो प्रोफेशनल डिटेल्स पे होगा, जिसको बाद में आप डाउनग्रेड करके मंथली सब्सक्रिप्शन को ऑफ कर सकते हैं। तो आई होप आई आंसर डाल दो क्वेश्चन जी। बिल्कुल सर, और सर हम आपके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी बनाएंगे डॉक्यूमेंट्स की जो हमें चाहिए हो सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसे TDAP की वेबसाइट पे अपलोड भी कर देंगे लेटर ऑन। सर ठीक है सर। सर मेरा क्वेश्चन है अब काशिफ जाफरी साहब से कि ये ग्लोबल सेलिंग वाला फिनोमिना क्या है, क्या ये जरूरी है कि जब हम फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करें तो उनके जितने अपनी सारी मार्केट्स में अपनी इन्वेंट्री भेजें, या किसी एक जगह पे अपनी इन्वेंट्री शिप कर दें और वहां से फिर अमेज़न बाकी जगहों पर शिप करता रहे प्रोडक्ट्स जब कोई बायर उसमें इंटरेस्टेड हो। तो का इंटरनेट इशू आ रहा, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। बेसिकली ग्लोबल सेलिंग का ऑप्शन हो रहा है, लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से अगर मैं यूएसए मार्केट प्लेस में सेल करना चाह रहा हूँ तो मैं अमेजोन के FBA वेयर हाउसेज यूएसए में, वो भी वो रेकमेंड करते हैं कि हमारे XYZ FBA वेयर हाउस में आप अपनी गुड्स भेज दें या इन्वेंट्री भेज दें, ठीक है। अच्छा, अब मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, अब मैं यूएसए से बैठ के Amazon में एक और भी ऑप्शन होता है कि मैं रिमोट फुलफिलमेंट प्रोग्राम में इनरोल कर दूं। मीनिंग Amazon को मैं कहूं कि अगर मेरा कनाडा से या मेक्सिको से ऑर्डर आए तो आप प्लीज वो फुलफिल कर दीजिए।
तो वो बाय रीजन उनका रिमोट फुलफिलमेंट प्रोग्राम होता है। लेकिन अगर आप कहते नहीं मैं यूके में भी लॉन्च प्रॉपरली करना चाहता हूं, तो फिर आपको अपनी गुड्स यूके भेजनी पड़ेगी। बट हम अप्रोच क्या लेते हैं कि हम पहले एक मार्केट को पहले सही तरह से एस्टेब्लिश करते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, फिर अपने एक्सपेंशन प्लान पे काम करते हैं। तो एक्सपेंशन या वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, या आप अपनी नई प्रोडक्ट लाइंस और ऐड कर देते हैं यूएसए में, या आप एक्सपेंशन करें बाय ज्योग्राफी बाय मार्केट डेवलपमेंट। तो दीज आर द टू वेज सर। बिल्कुल सर, हमने ये क्वेश्चन भी इसलिए पूछा ताकि जो जो लोग अपनी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं वो अपनी टारगेट मार्केट डायनेमिक्स को भी जहन में रखें। अच्छा सर, इसके साथ ही आप हमें इस पे भी एक्सप्लेन कर दें कि अमेजोन से हमारे पैसे वापस कैसे आएंगे, हमारी जो सेल्स हैं वो किन बैंकिंग चैनल्स, किन ई वॉलेट्स के थ्रू वापस आएंगे, और उसमें कितना कमीशन चार्ज करेंगे ये इंटरमीडियरीज। ओके, वेरी गुड। देखिए अभी इस वक्त हमारे पास अमेजोन ने हाइपर वॉलेट का ऑप्शन दिया है, जो एज अ डिपॉजिट मेथड हम इसको कहते हैं, और ये डिपॉजिट मेथड एक इंटरमीडियरी है, लेकिन आप लोकल बैंक में उसमें विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक पायोनियर है, फॉर एग्जांपल पायोनियर एक टेक है, वो आप अपने एसएलएस सेंट्रल में एज अ डिपॉजिट मेथड आप उन पे उसको सेट कर सकते हैं, और वो उसमें आप लोकल इसमें लोकल बैंक अटैच करके, लेट से एमसीबी एचबीएल जो भी है वो अटैच करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आपके पास पेमेंट्स मेथड्स इस वक्त ऑप्शन हैं। अब ये कहते हैं कि जी कमीशन कितना लगता है, ये वेरी करता है मार्केट टू मार्केट और पर्सन टू पर्सन, लेकिन ज्यादातर ये लोग जो है कर्जन अपनी करेंसी कन्वर्जन पे ही कमा रहे होते हैं, कभी कहीं पे 1% भी होता है, लेकिन मतलब इतना बड़ा नहीं होता कि आप इतने बड़े स्केल पे काम करें कि इट कैन डेंट यू, सो इट वॉन्ट हर्ट एनीबडी। थैंक यू सर। सर मैं फरूख मलिक साहब को फिर इन्वाइट करना चाह रहा हूँ, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो हमें यह बताएं कि जो नया सेलर है क्या उसे प्रोफेशनल सेलिंग प्लान चूज करना चाहिए या इंडिविजुअल सेलिंग प्लान यूज करना चाहिए, और फर्दर ऑन क्या उसे एफबीए यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करनी चाहिए या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट पॉसिबल है और वो सक्सेसफुल भी होगी। ओके जी, देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आप खुद से सेलर अकाउंट को क्रिएट करते वक्त एक ऑप्शन आपको नीचे जाके सेलेक्ट करनी पड़ती है, उस ऑप्शन को चूज करके सिर्फ आप बाय डिफॉल्ट जो है वो इंडिविजुअल प्लान को फ्रॉम डे वन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यूजुअली अगर आप नीचे जाके उस ऑप्शन को अलग से सेलेक्ट नहीं करते हैं, और नॉर्मल प्रैक्टिस जो लोग करते हैं 99% लोग वो नॉर्मल प्रैक्टिस आप अडॉप्ट करते हैं, तो जब आप सैलर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करते ही अमेजोन आपके $40 डिडक्ट कर लेगा जो मंथली सब्सक्रिप्शन है, और आपका जो सेलिंग प्लान है वो प्रोफेशनल होगा बाय डिफॉल्ट। ओके, तो बाद में आप जब सेलर अकाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा तो आप उसमें जाकर सेटिंग्स के अंदर सेलर सेंट्रल की राइट साइड पे बॉटम के अंदर आपके पास डाउनग्रेड अकाउंट की ऑप्शन आ रही होती है, आप जब उसे डाउनग्रेड करते हैं या लेफ्ट पे आपके पास ऑप्शन अकाउंट ऑप्शन मैनेज ऑप्शन की आ रही होती है, मैनेज के बटन को दबा के आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो जब तक आप खुद दोबारा उसको प्रोफेशनल अपग्रेड ना करें वो डाउनग्रेड हो जाता है और कोई मंथली सब्सक्रिप्शन आपको चार्ज नहीं होती है। तो हमें करना क्या चाहिए कि क्योंकि हम लोग ये अब डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सेलिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस ये होती है लोगों की कि वो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उसके एटलीस्ट 2-3 माह बाद वो सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि क्योंकि अमेज़न लव्स टू चार्ज मनी टू इट्स सेलर, अगर आप राइट अवे नीचे वाली ऑप्शन में जाके आप इंडिविजुअल अकाउंट डे वन से सिलेक्ट करते हैं, सो देर इज अ प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट कंफर्म बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अमेज़न वोंट अप्रूव योर अकाउंट इजीली बिकॉज इट्स नॉट चार्जिंग एनीथिंग, राइट? तो इट्स बेटर कि आप नॉर्मल वे से जाएं और पहली दफा उसको जो भी $40 आपकी फीस है वो आप पे करें, और उसके बाद आप मैनुअली उसको डाउनग्रेड कर लें ताकि फर्दर आपको फी ना देनी पड़े। ओके, अब दूसरा सवाल आपने मेरे से ये किया कि FBA और FBM किस चैनल से जाना चाहिए एक नए सेलर को, ठीक है, और क्या FBM एक डूएबल मॉडल है। देखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो FBA है, ठीक है, और जो एक ऐसा मॉडल जिसने अमेज़न को इतना बड़ा कर दिया वो FBA ही है। ओके, बट FBA को मैनेज करना लो कॉस्ट में पॉसिबल नहीं, आपको यू नीड बिग इन्वेस्टमेंट फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस बात है कि आप इन्वेंटरी अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा रहे हैं और आप अगर 10 यूनिट वहां भिजवा रहे हैं और वहां पे रख रहे हैं
तो आप क्या ही रैंकिंग करेंगे 10 यूनिट्स के साथ या 100 यूनिट भी इवन भिजवा रहे हैं, ठीक है? तो FBA के मॉडल में तो यू हैव टू इन्वेस्ट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो अगर आपके पास बजट अच्छा है तो यस यू शैल बी गोइंग विद FBA। इस बात का ख्याल रखे बगैर कि आपके जो फीस है Amazon ज्यादा डिडक्ट करेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन FBM में ज्यादा है और FBA में कम है, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से FBA में अल्टीमेटली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, जैसे वॉल्यूम सेल्स, जैसे आपको जो Amazon दिखाता है वो FBA सेलर को ज्यादा बेहतर प्रेजेंट करता है बायर के सामने, ठीक है? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो FBA को एज है, लेकिन अगेन आई वुड से कि अगर आपके बजट में कोई इशू है, आपके पास छोटा बजट है, तो ऑब्वियसली आप FBA से नहीं जा सकते हैं। आप दूसरी बात आ गई FBM की। देखिए FBM में हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं, पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूं, एक B2C है और एक B2B2C है, ठीक है? B2C वाला वो है कि आपने अपने सेलर अकाउंट को क्रिएट किया, आपने उस पर लिस्टिंग लगा दी, फॉर एग्जाम्पल आपने उस पर कोई भी चीज लगा दी, फॉर एग्जाम्पल लेदर जैकेट लगा दिया आपने, ठीक है? अब Amazon के सेलर का UK से ऑर्डर आ गया, ठीक है? तो आप यहां गए DHL या FedEx के पास या किसी भी कोरियर सर्विस के पास, आपने उसको कहा यार ये UK में इस एड्रेस पे भिजवाना है विदिन 3 to 4 वर्किंग डेज, वो कहते हैं ठीक है। उसने वहां पे उसको शिप कर दिया, कस्टमर ने रिसीव कर लिया, उसने ओके कर दिया, Amazon ने आपको 15 दिन बाद जो आपका पे आउट आना है उसमें आपको पेमेंट रिलीज कर देगा। एक मॉडल तो हो गया ये तो सीधा मॉडल है। अच्छा, इसमें मसाइल क्या है? इसमें दो मसाइल है। पहला मसला यह है कि आपकी शिपिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्योंकि आपने विद इन 7 डेज अगर उसको फुलफिल करेंगे तो इट्स रियली गुड, और उसके लिए आपको हाई कॉस्ट शिपिंग करनी पड़ती है, एयर शिपिंग, और वो भी एक्सपेडाइटेड। अच्छा, दूसरा इसका फ्लॉ यह है कि इन केस अगर आपको वो कस्टमर रिटर्न कर देता है तो आप क्या करेंगे? अब बात यह है कि वहां से जब रिटर्न वो वापस भेजेगा तो कस्टमर तो उसके पैसे नहीं भरेगा ना रिटर्न के आपको पाकिस्तान में, ठीक है? उसने तो नहीं कहा था आप पाकिस्तान से शिप करें, वो कहेगा मैं क्यों किस बात के पैसे वापस भरूं। तो अगर वो नहीं देगा तो क्या आप भरेंगे? और अगर आप भरेंगे तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि आप यहां से जब कोई चीज शिप करते हैं UK, तो अगर उसकी कीमत 1 रुपया है तो UK से पाकिस्तान आने की कीमत 3 रुपया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वहां से जब वापस आएगा तो आपके कस्टम्स भी उसको रोकेंगे, क्योंकि वो इंपोर्ट हो रही है चीज, तो आपको उसको ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली गाड़ी की कीमत में टायर पड़ेगा आपको, ठीक है? तो आप वापस नहीं मंगा सकते। अच्छा, अब आ जाए दूसरे मॉडल पे FBM के, कि आपने क्या किया, आपने 10 जैकेट्स ली और एक थर्ड पार्टी वेयर हाउस में रखवा दी, ठीक है? और आपने उसे कहा यार तुम इसको रखो, मैं तुम्हें मंथली स्टोरेज थोड़ी सी दे दूंगा, वो थोड़ी सी होती है, वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है? आपने उसे कहा कि जब मेरा जहां ऑर्डर UK के अंदर आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने उसको शिप कर देना है। उसने कहा जी ठीक है। जब ऑर्डर आया उसने शिप कर दिया, कस्टमर ने रिसीव कर लिया, वेल एंड गुड। नहीं किया, वो कहता है मुझे पसंद नहीं आया, मैं रिटर्न करो, क्योंकि 30 डे रिटर्न पॉलिसी है Amazon की, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बायर इज द किंग इन दैट, राइट? तो उसने कहा मुझे वापस करना है, आपने कहा ओके फाइन। तो उसने कहा मुझे अपना रिटर्न एड्रेस दो, आपने उसी वेयर हाउस का रिटर्न एड्रेस दे देना है और वहां पे चीज रिटर्न आ जाएगी। तो आपका लॉस कम होगा और आपकी जो शिपिंग यहां से हो रही है वो भी बहुत थोड़ी होगी, क्योंकि आप बल्क में भेज रहे हैं और एक्सपेडाइटेड नहीं भेज रहे, ठीक है? तो ये दो मॉडल्स हैं। और अगर आप छोटे स्केल पे जाना चाह रहे हैं तो यस FBM इज वर्केबल, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप थर्ड पार्टी वेयर हाउस से काम करें, डायरेक्ट B2C मत करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। मैं खुरम खालिद साहब से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास लॉजिस्टिक्स ऑप्शंस क्या हैं और इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो Amazon फुलफिलमेंट सेंटर्स के लिए जो शिपमेंट है वो एक्सेप्ट कर रही हैं, पैकेट्स एक्सेप्ट कर रही हैं, और उनकी एवरेज कॉस्ट कंपेरिजन भी अगर हमें मालूम हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखें, सबसे पहले तो अगर हम बल्क इन्वेंट्री भेज रहे हैं या सिंगल पैकेट भेज रहे हैं, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। जी, बिल्कुल। तो अगर हम बल्क शिपमेंट की बात करें कि हम फुलफिलमेंट बाय Amazon में Amazon के वेयर हाउस भेज रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एयर शिपमेंट या सी शिपमेंट। तो एयर शिपमेंट की अगर हम बात करें तो UK के लिए या US के लिए उसके रेट्स पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि फ्लाइट्स बहुत कम हैं तो रेट्स जो हैं वो बहुत हाई हुए हैं। इवन दो के सी के अंदर भी कंजेशन है और बहुत ज़्यादा रेट्स हाई हुए हुए हैं, सी भी उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है जो नॉर्मल डेज में होता है, सो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा है चार्जेस।
अगर आप ये बात करें कि कौन सी कंपनीज हैं, तो जो भी बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर लॉजिस्टिक्स की, शिपिंग की, जो ऑपरेट कर रही हैं, वो बल्क शिपमेंट्स लेके जाती हैं, दे नो नाउ द होल प्रोसेस, उनको ये प्रोसेस पता है। एक सबसे पहले तो जो यहाँ से भेज रहा है एक्सपोर्टर है, अगर आपकी बाहर की कंपनी उस एक्सपोर्टर से बाय कर रही है तो ई फॉर्म वगैरह उसकी जिम्मेदारी है। अगर मैं खुद ही एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं अपनी ही कंपनी के थ्रू अमेजोन पे सेलिंग कर रहा हूँ, तो मैंने एक्सपोर्ट फॉर्म को फिल करना है, ई फॉर्म मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उसे फिल करना है और उसे फाइल करना है। मैं अपने गुड्स दे दूंगा फ्रेट फॉरवर्डर को, और फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो US या UK या यूरोप में या कहीं पे भी जहां पे मैं अमेजोन के वेयर हाउस भेज रहा हूँ वहां पे लेके जाएगा, उसकी क्लियरेंस कराएगा और अमेजोन के वेयर हाउस अपॉइंटमेंट लेके खुद ड्रॉप ऑफ करेगा। सो ये सारी जिम्मेदारी उसकी है। ऑन द अदर हैंड एज अ न्यू सेलर हमारे लिए ये चीज़ें मुश्किल हैं कि हम वहाँ पे US या UK में एक क्लियरेंस एजेंट हायर करें, वो वहाँ से क्लियर कराए और Amazon शिपिंग लेके जाए। सो हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि डिलीवर ड्यूटी पेड, कि हमारा जो लॉजिस्टिक पार्टनर या फ्रेट फॉरवर्डर है वो हमें DDP इनको टर्म्स पे वो चीज़ें पहुँचाए, रादर देन ये कि हम खुद से क्लियरेंस और उसको आगे फर्दर Amazon के वेयर हाउस तक पहुँचाएँ। सर मेरा क्वेश्चन इस बैकग्राउंड पे था कि अगर कोई छोटा एक्सपोर्टर जिसने दो या चार बिल्कुल छोटे पैकेट्स भेजने हैं, लेदर के जैकेट्स भेजनी है, कुछ सर्जिकल आइटम्स भेजने हैं, कोई नाइफ्स भेजने हैं, हंटर नाइफ्स भेजने हैं, उसके लिए क्या फिजिबल ऑप्शन रहेगी? उसके लिए फिजिबल ऑप्शन देखें, फिलहाल तो प्राइवेट सेक्टर ही है जिसमें DHL, FedEx या इस तरह के जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं वही करते हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड हम मे बी इस चीज़ को देख सकते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट या और इदारे जो हमारा गवर्नमेंट का पाकिस्तान पोस्ट है वो हमारी इसमें किस तरह से, बट फॉर नाउ हम प्राइवेट सेक्टर पे ही रिलाई करते हैं, जो कि 2,000-3,000 से लेके और 10,000 रुपये पर पैकेट है, डिपेंडिंग उसकी डायमेंशन, उसका वेट और आपकी डेस्टिनेशन कंट्री। सो इन चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं हम अभी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मेरा एक और बेसिक सा क्वेश्चन है सर मकसूद अहमद साहब से, कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहा हूँ अमेजोन पे, तो क्या मुझे अपने हर प्रोडक्ट के लिए GTIN या अमेजोन SN या यूरोपियन आर्टिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ये मुझे रिक्वायर्ड है, या सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पे रिक्वायर्ड है जो ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्टेड नहीं है, यानी न्यू प्रोडक्ट्स पे? इस पर कुछ थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि ये क्या चीज़ है और इसको हम कैसे ओवरकम या मैनेज कर सकते हैं। सर ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक UPC कोड कहा जाता है। अगर मैं USA में ऑपरेट करूँ, अमेजोन ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, यूरोप में EAN दिया हुआ है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। UPC कोड बेसिकली एक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर है जो आपके लिए एज अ ब्रांड या प्राइवेट लेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ये एक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर है जो आपकी उस SKU का एक आइडेंटिफायर बन जाता है, और ये ग्लोबल डायरेक्टरी में GS1 की डायरेक्टरी में आपने वो अपना नंबर अपने नाम कर, अपनी कंपनी के नाम कर दिया, तो ये बहुत लाजिम है। नंबर टू, अमेजोन भी खुद आपको अपने FNQ देता है, अमेजोन की अपनी भी एक डायरेक्टरी है। और दूसरी बात, आपने जो SN की, वो SN भी अमेजोन आपको असाइन करता है। अमेजोन का स्पेसिफिक ये नंबर है जो आइडेंटिफायर है अमेजोन के अंदर कि भाई ये SN है। अब UPC कोड आपकी ओनरशिप है, लेट्स से प्रोडक्ट आप मेरी कंपनी है, मेरी ओनरशिप है। अब इस UPC कोड को मैं दुनिया के किसी भी जगह पे अमेजोन या कहीं और ऑफ अमेजोन भी सेल करना चाहूँ तो ये मेरे लिए एक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर इनफ है। लेकिन जब मैं अमेजोन में करता हूँ, मेरे लिए FNQ UPC कोड के साथ FNQ भी होना जरूरी है। जब मैं ऑपरेट करता हूँ ऑनलाइन, तो अमेजोन मुझे SN, एक अमेजोन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो मुझे असाइन कर देता है। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट जरूरी करनी है फुल। और जो UPC कोड है, देखिए FNQ और SN, ये इसके भी कमेंट नहीं है, अमेजोन खुद ही असाइन कर देता है। UPC कोड ये एक पेड नंबर, आप एक बार कोड बाय करते हैं, GS1 एक अदारा है, ग्लोबल रहा है, वर्ल्ड रिकग्नाइज है, और वो USA, GS1 USA से, UK से, कनाडा से, किसी भी जगह से आप ये जाके अपनी कंपनी की डिटेल्स देके और अपने नाम वो कर सकते हैं और फिर अपनी उन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके साथ ही मैं फरूख मलिक साहब से ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपको चैलेंजेस क्या नजर आ रहे हैं ये अमेजोन पे सेलिंग पे, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स हमारी SMEs को पेश आएंगी, क्या आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं?
लेकिन दो तीन प्रॉब्लम्स तो अभी बड़े बेसिक से हैं जिस पे हमारी मैं कहूंगा कि एनईसीसी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बहुत ज्यादा एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि हमारे साथ असन यार साहब भी हैं और मैडम आयशा हुमैरा मोरियानी ने भी हमें ज्वाइन किया जो कि एनईसीसी को एग्जैक्टली ये लोग बहुत ये इन लोगों से हम लोगों ने सब ने मिलकर स्टेट बैंक के साथ एक सेशन ऑलरेडी कंडक्ट किया है और अब कल हम लोगों का एक और सेशन है जो इंशाल्लाह आई होप के इवेंचुअली वो रैप अप हो जाएगा सोल्यूशन की तरफ। वो ये कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं एज एन एक्सपोर्टर अमेजोन के ऊपर तो बेसिकली वो कंज्यूमर को हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, और अमेजोन पे हम उसको रखवाते हैं अगर FBA मॉडल की बात करें। तो चैलेंज क्या है कि स्टेट बैंक की रेगुलेशन है कि आप जब कोई एक्सपोर्ट करते हैं और उसका जो भी प्रोसीड्स आपको आएंगी वो एक सर्टन टाइम के अंदर आपको अपने अकाउंट के अंदर पाकिस्तान में मंगवानी है, ठीक है। तो हमारा कंसर्न ये था कि जब आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं अमेजोन के ऊपर तो ये बड़ी टेक्निकल बात और ये बड़ा समझने का पॉइंट है कि इनिशियली क्योंकि आपको अपने ब्रांड को बिल्ड करना है, आप एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और आपको पहले पेज तक का सफर तय करना है क्योंकि अमेजोन पे या दुनिया के किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिकता वो है जो पहले पेज पे नजर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज का जो सफर है वो तय करना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग इन अमेजोन प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस। तो उसके अंदर आप इनिशियली या ब्रेक इवन पे या समटाइम ब्रेक इवन से भी नीचे की पहले तो प्राइस सेटअप कर लेते हैं अपने लॉन्चिंग जो प्राइस है आपकी वो कभी भी आप बहुत ज्यादा नहीं रखते क्योंकि आप एक नए सेलर हैं जो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और अगर आपकी प्राइस उस सेलर के बराबर होगी कि जो टॉप पे है तो आपसे कौन लेगा, ठीक है। तो आपको प्राइस ब्रेक इवन के करीब रखनी है, पहला कंसर्न। अच्छा, फिर उसके बाद आप एग्रेसिव मार्केटिंग और लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज करते हैं जिसमें आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स आते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपकी $10,000 की अगर इन्वेंट्री वहां गई है फॉर एग्जाम्पल तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही पैसा या इससे भी ज्यादा आपका उस इन्वेंट्री को रैंक करने पे आता है पहले पेज तक कि आपकी सेल्स हो रही है और आप रैंक कर रहे हैं। अब ये मकसद ये है कि आपकी इन्वेंट्री जब पहली या दूसरी जाती है तो समहाउ तीसरी इन्वेंट्री पे जाके या तीसरी शिपमेंट पे जाके आप ब्रेक इवन के करीब करीब आते हैं कहीं, ठीक है। तो पेमेंट तो आपकी मतलब प्रोसीड्स तो आपकी अमेजोन से आई नहीं ना, आपकी जो प्रोसीड्स आई वो आपकी मार्केटिंग पे या लॉन्चिंग पे स्पेंड हो गई तो आपकी एक या दो शिपमेंट्स कंज्यूम हो गई आपकी रैंकिंग के ऊपर या आपकी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। तो हमारा कंसर्न ये था कि हम स्टेट बैंक कहता है कि आप हमें प्रोसीड्स लेके आओ विद इन 60 or 180 डेज और व्हाटसोएवर टाइम, बट अगर हमारी वो प्रोसीड्स आई ही नहीं है अमेजोन से और वो वहीं पे कंज्यूम हो गई, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग और लॉन्चिंग योर ब्रांड और बिल्डिंग योर ब्रांड ऑन अमेजोन, तो आप कैसे उसको शो कर सकते हैं प्रोसीड्स को पाकिस्तान में। तो लेकिन इंशाल्लाह वी हैव सजेस्टेड फ्यू सॉल्यूशंस, तो होपफुली इन फ्यू डेज वी विल कम अप विद दैट सॉल्यूशन। अच्छा, एक मसला ये, और दूसरा मसला ये कि देखें अमेजोन के सिनेरियो में ये भी एक पॉसिबिलिटी है और कंसर्न है कि एक चीज पाकिस्तान में बनती ही नहीं, देखें एक चीज पाकिस्तान में बनती है और हम वहां के सेलर से नहीं ले रहे वो एक नामुनासिब बात भी है और हमें उसका ख्याल भी रखना है, लेकिन एक चीज पाकिस्तान में बनती ही कोई कहीं नहीं, कोई क्रिएट ही नहीं करता, कोई मैन्युफैक्चर ही नहीं करता और आपको अमेजोन पे वो बेचनी है तो आप ऑब्वियसली उसको चाइना से लेंगे। अब कंसर्न ये है कि अगर आप उसको चाइना से लेना चाह रहे हैं तो यहां से जो पेमेंट आपने चाइना भेजनी है उस पे स्टेट बैंक के तहफुजात है, ठीक है, तो उस पे हमें उस पे भी हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल विद द हेल्प ऑफ NECC एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हम इंशाल्लाह इसको भी बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा तीसरा कंसर्न ये है जो कि बड़ा इजीली डूएबल है और रिजॉल्व हो सकता है, खुद ही हम कर सकते हैं, वो ये कि देखें हम लोग बड़े यूज टू हैं कम क्वालिटी प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट महंगे दामों में बेचने के, ठीक है। अमेजोन के ऊपर आप महंगा प्रोडक्ट बहुत महंगे दामों में बेच सकते हैं बट सस्ता प्रोडक्ट आप लो प्राइस पे भी नहीं बेच सकते, बिकता ही नहीं, मतलब अगर बिकेगा तो रिटर्न आएंगी और आपका अकाउंट गया। और देखें ये वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा वहां पे पाकिस्तान का ब्रांड बिक रहा है, पाकिस्तान की साख बिक रही है, पाकिस्तान का एक सेलर बेच रहा है क्योंकि कोई भी बायर उस सेलर का, अब पहले अमेजोन ये दिखाता नहीं था बट अमेजोन पे अब एड्रेस वॉचेबल है, कोई भी सेलर होगा उसको वो बायर देख सकता है कि ये कहां से बेच रहा है। तो अगर वो पाकिस्तान से बेच रहा है और वो चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच रहा है
तो वो बड़ा नामुनासिब है और बड़ी ही हमारे लिए जो है वो एक बुरी चीज हो जाएगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा तमाम देखने वालों को कि आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करें, उसकी क्वालिटी पे वर्क करें, उस मेक श्योर करें कि वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और फिर आप उसकी कॉस्टिंग और सारी बाकी चीजों पे काम करें। तो ये दो तीन मेन चीजें थी जिस जो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम है अभी तक, जो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। मकसूद अहमद साहब, आप इसमें सर कुछ ऐड करना चाहेंगे चैलेंजेस में? जी, आई थिंक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चैलेंजेस एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज हैं, और इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, रेलेवेंट अथॉरिटीज, स्टेट बैंक, सीईसी, ये सब लोग कलेक्टिवली काम कर रहे हैं और काफ़ी आपस में इस वक्त जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन चल रही है, टू बी ऑनेस्ट, इट्स एग्जाम्पलरी एंड वेरी अनहर्ड ऑफ। तो जो भी चैलेंजेस छोटे मोटे आ रहे हैं, वी आर एड्रेसिंग देम एंड दे आर लिसनिंग एंड दे आर कमिंग बैक विद द सॉल्यूशंस एज़ वेल। मैं दूसरे पास दूसरा एक एस्पेक्ट है चैलेंजेस का, वो ये है कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपोर्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा अब रिस्क टेकर बनना पड़ेगा, ग्लोबल एरेना को एक्सप्लोर करने की एक एक पैशन और एक एक बिजनेस एक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि हम हमेशा बी टू बी अप्रोच पे, जो भी हमारे करंट एक्सपोर्टर्स हैं वो बी टू बी माइंडसेट के हैं कि जी होलसेल कर दें, डंप कर दें, प्राइस कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है, वेरी गुड, कंटिन्यू विद दैट बिकॉज दिस विल गिव यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आप उनको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग एंड हायर द राइट पीपल, ट्रेन योर ओन रिसोर्सेज एंड गिव देम दिस, अवेल दिस प्लेटफॉर्म। ये Amazon.com 4 billion, आप कहते हैं जी पाकिस्तान जो है हमें, फॉर एग्जाम्पल जी पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉडी के साथ बात करो, XYZ कंट्री हमारे लिए एक्सेस हमारे लिए ओपन कर दें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है जी, हम फॉर एग्जाम्पल XYZ कंट्री अपनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो हम जो भी डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू हम वो एक्सेस लेते हैं। यहाँ पर तो Amazon.com है, इट्स 1000 times मोर पोटेंशियल देन एनी कंट्री। तो Amazon.com को हमें थोड़ा सा एजुकेट करने की और थोड़ा सा अपने होराइजन को एक्सपेंड करने की जरूरत है, और इस अपॉर्चुनिटी की पोटेंशियल को रियलाइज करने की जरूरत है। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, $4.5 trillion की इकोनॉमी, उसके बाद Amazon $400 billion की सेल USA में कर रहा है। इस पे हम अपने आप को गियर अप करें, अपनी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें, अपने फंड्स को मोबिलाइज करें, और हम तैयारी करें प्रॉपर तरीके से। डोंट रश टू, अगेन एवरीवन इज सेइंग दिस, डोंट रश टू क्रिएट सेलर आईडी क्रिएट करने से आप नहीं, एंड अगेन कंसिडर Amazon बिजनेस सेम एज यू डू योरसेल्फ। मेरे सामने बहुत सारे बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े टेक्सटाइल की हमारी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स, उनसे मेरा सवाल है, सर आपने ये बिजनेस जब आप अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, कितने साल में बनाया? 4-3 महीने में, 4 महीने में, सालों लगे हैं, जनरेशंस लगी हैं। ये अमेजोन का बिजनेस भी ऐसे ही है। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के यूटोपिया के ओनर से बात करें, यू नो इट टुक हिम 10 years टू बिल्ड $400 million का पूरा एसेट, लेकिन वो बना गए, लेकिन बना गए, पोटेंशियल रियलाइज कर गए। इसी तरह से बहुत सारे, ये तो सिर्फ हम टेक्सटाइल की बात, मैं तो अपनी सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बात करूंगा, मैं अपनी जितनी भी स्टील की प्रोडक्ट्स बात कर रहे हैं, मैं अपनी प्लास्टिक वाली बात करूंगा, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। इवन हैंडीक्राफ्ट्स, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसमें Amazon हैंडमेड एक अलग चैनल है विद इन Amazon, वो आपको और प्रमोट करता है। तो आप एक्सपर्ट से बात करें, हम गाइड करने के तैयार है, आपके आपसे रابطہ करें, गाइड निकल गए, बट स्टेप अप। एंड वी हैव, और एक और मजीद चीज बताऊं, ये टाइमिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपने जो एक्सपोर्टर एंटरप्रेन्योर जो पूरी एक इंडस्ट्री है उनको मैं गाइड करने जा रहा हूँ। देखें टाइमिंग जबरदस्त है इस वक्त, कैसे जबरदस्त है इस वक्त, अभी भी पैनिक है और ग्रोथ मोड में है, आप ग्रोइंग मोड में, अभी सेचुरेशन नहीं है, नंबर वन। नंबर टू जी, अच्छा जी मार्केट पोटेंशियल है, लेकिन अब मैं इंटरनल देखता हूँ, इंटरनल कैपेसिटी और मोबिलाइजेशन कितनी है जी। इंटरनल कैपेसिटी थैंक्स टू सनी अली और डॉक्टर साकिब, दे वर्क ऑन दिस यूथ, दे डेवलप दिस होल आर्मी, वी हैव अ यूथ हु इज डेवलप्ड एंड इक्विप्ड। इस वक्त पाकिस्तान 4th largest फ्रीलांसिंग कंट्री में है, फ्रीलांसिंग कंट्री है। वो कैसे, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जाके फाइवर, अपवर्क, ये जितने भी फेमस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वहां पे देखिए, ये अपने पाकिस्तानी लड़के यही सर्विसेज दें गोरों को ग्लोबली, और वहां से हमारे पास आ रहे हैं, तो वाई दे विल बी मोर देन हैप्पी कि हमें लोकल अपने जो 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 हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो उन बच्चों को और उन उस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लें एंड देन बिजनेस को लॉन्च करें। एटलीस्ट 2-3 साल का प्लान प्रॉपर बनाएं,
प्रॉपर उसका फ्लो, उसका प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी बिजनेस वायबिलिटी बनाए, आपके साथ आप गाइड कर रहे हैं उनको, तो आई थिंक वी कैन अचीव दिस. सो दिस इज द कोर चैलेंज. बाकी मैं तो एवरीथिंग इज डूएबल. गवर्नमेंट इज विलिंग, एवरीबडी इज विलिंग टू सपोर्ट. इज जस्ट नाउ दीज गाइज नीड्स टू स्टेप अप एंड देन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच सर. इसके साथ ही हम फ्लोर को ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए. अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें. और आखिर में मैं मैडम आयशा हुमैरा मोरियानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आफ्टर द क्वेश्चन आंसर सेशन, वो कंक्लूडिंग हम चाहते हैं कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है वो मैडम के. जी कोई एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बॉडी? जी जी प्लीज अली जायान सर अनम्यूट कीजिएगा. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं सेशन देख रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा फ्रूटफुल सेशन है हम न्यू कमर्स के लिए. तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ. शबीर अहमद मेरा नाम है. सेंको बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड फर्म को मैं एज अ सीईओ हेड कर रहा हूँ. तो मेरा फर्क मलिक साहब से क्वेश्चन है छोटा सा कि मैंने इसको अकाउंट को बनाने की कोशिश की, तो वो जो आपका जो आईडी कार्ड की जो वेरिफिकेशन वो तो ओके होगी, बट जब मैं बैंक स्टेटमेंट की उनको अपलोड करता हूं तो वो उन्होंने मल्टीपल टाइम उसको रिफ्यूज किया. मैंने बैंक स्टेटमेंट जो है बैंक के लेटर पैड पे निकलवा के उसके ऊपर साइन स्टैम्प करके, इवन सिंगल पेज को है वो उसको बड़ी अच्छी तरह से स्कैन करके भी उसको अपलोड किया, बट वो फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. तो इसमें मैं सब इसको कैसे इसको मैनेज कर सकता हूँ अपने इस इश्यू को कि मेरे जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन वो कम्प्लीट हो जाए. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने जो अप्लाई किया अकाउंट वो आपने बिजनेस डिटेल्स पे किया या इंडिविजुअल डिटेल्स पे किया? नहीं, वो मैंने बिजनेस डिटेल पे किया. आपने जब आपसे उसने पूछा बिजनेस लोकेशन, पहला जो स्टेप होता है बिजनेस लोकेशन की एक ऑप्शन आती है, उसमें कौन सी कंट्री आपने सिलेक्ट की थी? वो तो पाकिस्तान मैंने सिलेक्ट किया. ओके, और उसके बाद उसने आपसे पूछा कि आप अपने बिजनेस की टाइप बताएं, तो आपने कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट किया था? प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस? Yes, privately owned business. Okay, ठीक है. उसके बाद आपने अपना जो बैंक स्टेटमेंट दी है वो एमसीबी के वेबसाइट से आपने पीडीएफ डाउनलोड किया या वहां से आपने मंगवाई बाय ईमेल? नहीं, मैंने वहां से हार्ड कॉपी मंगवाई है. नहीं, उसके नहीं, आपने बैंक की वेबसाइट पे जाना है, वहां से आपने उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है और वो स्टेटमेंट आपने अपलोड करनी है. ठीक है. अच्छा, अगर इन केस वो स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट नहीं होती है तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने एक नया ईमेल बनाना है. ठीक है. और यही सारी डिटेल्स दोबारा से आपने अप्लाई करनी है, बट इस टाइम आपने मोबाइल नंबर दूसरा यूज करना है ओटीपी के लिए और ईमेल. आप सिर्फ दो चीजें डिफरेंट यूज करेंगे, न्यू ईमेल और न्यू मोबाइल नंबर. एक चीज हमेशा समझ लें कि आप अगर एक अकाउंट वो एक बार रिजेक्ट कर देते हैं तो चांसेस कम है कि वो दोबारा क्रिएट हो. ठीक है. या वो ओपन एक्टिव अकाउंट को किसी वायोलेशन की वजह से सस्पेंड करते हैं तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि आप अपने आईडी पे एक नया अकाउंट बना सकें. लेकिन जब तक अकाउंट एक्टिव नहीं होता है तो यू कैन अप्लाई विद डिफरेंट ईमेल एंड डिफरेंट फोन नंबर्स अगेन, एंड वी हैव हैड एक्सपीरियंसेस इन विच आपका दूसरी अटेम्प्ट में अकाउंट अप्रूव हो गया था. ठीक है. तो एक तो आपने ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है बैंक की वेबसाइट से जाके. ठीक है. उस और अपने बिजनेस की आपने करनी है, और प्लीज मेक श्योर कि आपके नाम के स्पेलिंग्स, आपके सेलर सेंट्रल, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका एड्रेस आपके सेलर सेंट्रल में जो आपने दिया है और आपकी बैंक स्टेटमेंट पे जो है वो मैच कर रहा हो. ये बड़ी अहम बात है. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि हमारे जो बैंक्स है ना वो पोस्ट कोड नहीं देते हैं बैंक स्टेटमेंट पे, क्योंकि यूजली प्रैक्टिस नहीं है जो कि बाहर मुल्कों में होती है. अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है. अब जब आप अपना एड्रेस देते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल पे तो वहां पोस्ट कोड दिए बगैर वो आगे नहीं जाता, वहां आपको देना पड़ता है, और आपने भी डेफिनेटली दिया होगा. ठीक है. तो ऐसा भी होता है कि आप बार बार कर रहे हैं, और मैंने जो तरीका आपको बताया है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करें और उससे भी नहीं होगा तो इट मींस कि आपको एक छोटा सा काम करना होगा. आपको अपने बैंक मैनेजर को कॉल करनी है कि भाई बात सुनो, मेरा जो एड्रेस है ना बिजनेस का उसके नीचे ये पोस्ट कोड मेरा ऐड कर दो प्लीज. वो कहेगा ओके जी, आप आ जाएं, इस फॉर्म पे साइन कर दें, हम पीछे हेड ऑफिस से करवा देते हैं. ठीक है. तो आप वहां जाएंगे, वो करवाएंगे, उसके बाद जब आप अपलोड करेंगे तो अमेज़न कहेगा देयर यू गो, इट हैज बीन मैच्ड एंड नाउ थैंक यू वेरी मच. इसमें पोस्ट कोड नहीं है स्टेटमेंट में. एग्जैक्टली. अच्छा, सो ये सारी ऑप्शंस है. जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन अपने पैनलिस्ट से कि TDAB भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए, SMEs के लिए.
अमेजोन पे स्पेसिफिकली, तो क्या आप हमें ये गाइड कर सकते हैं कि हमें किस मॉड्यूल पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और इस वक्त सबसे ज्यादा हैंड होल्डिंग की जो जरूरत है SMEs में, उनको किस एस्पेक्ट से ज्यादा हेल्प करने की हमें जरूरत है? क्या प्रोडक्ट डिजाइनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ पॉलिसी या गाइडलाइंस या अमेजोन, इन्हीं को फॉलो करना काफी होगा? तो आप इस पे हमें वन बाय वन, सबसे पहले मैं मकसूद अहमद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो हमें बताएं कि अगर हम अभी ट्रेनिंग लॉन्च करते हैं SMEs की, तो सबसे ज्यादा किस एस्पेक्ट पे फोकस करने की जरूरत है? वेरी गुड, आई थिंक हमें पहले ऑटोमेशन को जाना चाहिए। ये जो FBM के मॉडल है वो हैसल है अभी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि Amazon FBM मॉडल पे हम फोकस करें। उसके बाद उस ट्रेनिंग में आई एम श्योर हम इसको ये एड्रेस करेंगे कि प्रोडक्ट इवेल्यूशन, प्रोडक्ट वैलिडेशन, प्रोडक्ट की डिमांड असेसमेंट, मार्केट असेसमेंट, कंपेटिटिव कॉन्टेक्स्ट को एनालिसिस करना, ये सब कुछ आई थिंक हमें थोड़ा सा कंज्यूमर सेंट्रिक आना पड़ेगा, वॉइस ऑफ कंज्यूमर को देखना पड़ेगा, एंड देन सी कि हम कहाँ खड़े हुए, हमारी क्या करंट अगर प्रोडक्शन लाइन से कुछ आ सकता है, या हमें किसी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, या डिजाइनिंग में कुछ चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर UK में कभी कभी हम लॉन्च करते हैं, तो UK में हम अपने प्रोडक्ट की पेटेंट डिजाइन जो है उसको भी हम पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, हम ओन करते हैं, ट्रेडमार्क तो करते ही करते हैं। अच्छा, हम एक दो स्टेप और भी आगे जाते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म प्लान पे खेल रहे होते हैं, तो हम इवन अगर जैसे कहीं सोर्स कंट्री से भी हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में भी ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर लेता हूँ। दीज आर द गुड टू हैव्स, नॉट मस्ट टू हैव्स, ठीक है। अच्छा, फिर चाइना में अगर मैं करता हूँ, तो चाइना से भी कर सकता हूँ। अच्छा सर, अब आपने ट्रेनिंग की बात की, तो मैं आपके तवज्जो से, और दिस इज अ पॉजिटिव जेस्चर फ्रॉम एक्सट्रीम कॉमर्स, आपके 5 रिकमेंडेड SMEs अगर कोई आप नॉमिनेट करते हैं, उनको हम फ्री में ID सर्विस दे सकते हैं, ID क्रिएशन। हम एक्सपर्ट ID स्पेशलिस्ट वो उनके साथ हैंड होल्डिंग करेगा, एंड देन दे विल क्रिएट ID फॉर देम। 5 रिकमेंडेड जो TDEB मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर सकता है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम सर्विस देने के लिए तैयार हैं। जी फारूक मलिक साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ट्रेनिंग मॉड्यूल पे आप किस पे ज्यादा एम्फसाइज करना चाहेंगे? एग्जैक्टली, देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अमेज़न पे पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, जो अभी तक इस पूरे सेशन में हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अमेज़न पे पैसे कमाने के 4 तरीके हैं टोटल, ठीक है। पहला प्राइवेट लेबल, जो आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। दूसरा होलसेल, आप लोगों का ब्रांड बेचते हैं, ठीक है। तीसरा ड्रॉप शिपिंग, आप लिस्ट कर देते हैं बहुत से प्रोडक्ट्स को अपने सेलर अकाउंट पे, है आपके पास कुछ भी नहीं इन स्टॉक, जब ऑर्डर आता है तो आप ऑनलाइन ही किसी या फिजिकली किसी सस्ती जगह से खरीद कर उसको डायरेक्ट कस्टमर को शिप कर देते हैं। और चौथा मॉडल है कि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं उन लोगों को जिनके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। ओके, अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से 2 मॉडल्स मेरे नजदीक हैं जो वर्केबल हैं, बाकी 2 नहीं है। पहला प्राइवेट लेबल, जो कि SMEs और मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। और चौथा एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, वो पूरी आर्मी जो हमने और इसी ने बनाई है टू एंटरटेन दीज मैन्युफैक्चरर्स और SMEs। ये 2 एंड अगर हमारे स्ट्रांग हो जाएं, एक एंड पे हम प्राइवेट लेबल से अपने ब्रांड्स को बिल्ड करेंगे एज मच एज पॉसिबल, इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी ब्रांड की पूरी रेंज वहां पे Amazon पे रिफ्लेक्ट हो रही हो, कि आज तक जो पाकिस्तान में थे अब वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं Amazon की 20 प्लस मार्केट्स पे, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट US, इट्स नॉट जस्ट अबाउट UK, इट इज अबाउट मोर देन 20 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर Amazon एग्जिस्ट, एंड यू कैन सेल देम व्हाइल सिटिंग इन पाकिस्तान, ओके, एंड यू नीड टू बिल्ड योर ओन ब्रांड ओवर देयर। तो देखिए, ट्रेनिंग सेशंस जो है ना, वो 2 चीजों पे होने चाहिए, एक प्राइवेट लेबल के ऊपर PL प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, और दूसरा VA के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट, कैसे आपने VA बनना है। एक जो है वो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला है जो प्राइवेट लेबल है, और दूसरा 0 इन्वेस्टमेंट के साथ है, ठीक है। मैंने ड्रॉप शिपिंग और होलसेल को इसलिए स्किप किया कि होलसेल मॉडल बेसिकली उन रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए है जो UK में बेस्ड है। अगर आप UK में बेच रहे हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल आप UK के ब्रांड को कहते हैं कि मैं आपका ब्रांड बेचना चाहता हूं एज होलसेल FBA, ठीक है, तो वो कहेगा ओके फाइन, तुम्हारी कंपनी कहां है? वो कहेगा पाकिस्तान में। उसे कहेगा नो, वो कहेगा नहीं, मैं इजाजत नहीं दे सकता। यू हैव टू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ UK लिमिटेड कंपनी, देन आई विल अलाउ यू, ओके।
तो वो तो राइट अब स्किप हो गया ना, वो वाला मॉडल पाकिस्तान से। तीसरा मॉडल था ड्रॉप शिपिंग का, जो मैं ये कहता हूं कि बहुत ही रिस्की मॉडल है, क्योंकि वो अमेजोन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज के 98% अगेंस्ट जाता है। ठीक है, आप एक गलत चीज शिप कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता उसकी क्वालिटी कैसी है, और आप किसी ब्रांड की बेच रहे हैं, वेल नोन ब्रांड की, तो अमेजोन इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट, तो जो आपके अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली जो दो मॉडल्स हैं, पहला और चौथा, प्राइवेट लेबल और VA, हमें उस पे वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, TDAP को, तमाम इंस्टीट्यूट्स को, तमाम SME मैन्युफैक्चरर्स को इस पे सोचने की जरूरत है कि कैसे वो अपने ब्रांड को अमेजोन पे बिल्ड कर सकते हैं, और उनको हेल्प करेगी ये VAs की आर्मी, ये जो फौज हम बनाएंगे वर्चुअल असिस्टेंट्स की, ये प्रोफेशनल्स उसको बिल्ड करेंगे वहां पे। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि एक मैन्युफैक्चरर या एक SME, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के अमेजोन की लिस्टिंग क्रिएट करेगा, उसकी इमेजेस बनाएगा, उसको रैंक कराएगा, उसको ऑप्टिमाइज करेगा, उस पर एडवर्टाइजिंग चलाएगा, फिर डेली के ऑर्डर्स कितने आए हैं, फिर उसको उसको इनहांस कैसे करना है, ये सब वो VA की टीम करेगी। सो दैट इज माय रिकमेंडेशन जी। जी, हमारी ऑडियंस में से कुछ क्वेश्चंस फेसबुक पे भी पूछ रहे हैं, मेरे पास इस वक्त उसकी एक्सेस नहीं है, तो मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा असफन यार फरूक साहब से कि वो फेसबुक पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काइंडली अगर रीड कर दें हमारे पैनलिस्ट के लिए, ताकि उनको भी आंसर चला जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रिय साहब। कुछ क्वेश्चंस आए हुए, एक ही क्वेश्चन है, आफ्टर लिस्टिंग सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स व्हाट इज नेक्स्ट, तो एनीबॉडी फ्रॉम द पैनल प्लीज, अगर आप कुछ ऐड बताना चाहेंगे। साहब इफ आई कैन, यस प्लीज सर, प्लीज। ओके, देखिए आफ्टर लिस्टिंग करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को लाइव करते हैं, अब ये आप पे है, अगर वो FPM लिस्टिंग है तो वो तो राइट अवे लाइव है, आपने जैसे ही उसको लिस्ट किया वो लाइव हो गई और आपको ऑर्डर आना है तो उस वक्त भी आ जाएगा। लेकिन अगर वो FBA लिस्टिंग है तो जब तक Amazon उसको रिसीव करके अपने वेयर हाउस में इन्वेंट्री में ऐड नहीं कर देगा और आपकी लिस्टिंग के आगे अवेलेबल यूनिट्स नहीं आ जाएंगे, वो लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी। ओके, तो अब जब आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो गई इन ईदर केस FBA और FBM, तो अगला चैलेंज यह है कि आपने उसको बेचना कैसे है, तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि आप एडवर्टाइजिंग से स्टार्ट करें, जिसको हम Amazon PPC कहते हैं, पे पर क्लिक। देखिए एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि गूगल और फेसबुक ये दोनों जो एडवर्टाइजिंग के पैसे चार्ज करते हैं, ये इंप्रेशंस पे चार्ज करते हैं, नंबर ऑफ इंप्रेशंस, कितनी दफा आपके एड को उन्होंने दिखाया लोगों को, वो उस चीज पे चार्ज करते हैं, जबकि Amazon इंप्रेशंस पे चार्ज नहीं करता, चाहे 1,000,000 इंप्रेशन आ जाए, Amazon चार्ज करता है क्लिक के ऊपर। जब कोई भी बायर आपकी स्पॉन्सर्ड एड को क्लिक करेगा तो Amazon आपको पैसे चार्ज करेगा। तो यस, यू कैन स्टार्ट विद Amazon PPC, आपकी मेन इमेज अगर अट्रैक्टिव है, आपकी प्राइस अट्रैक्टिव है, तो आपको राइट अवे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। दैट इज द आंसर जी। जी कुछ जी, एक और सवाल है मारिया आरिफी साहिबा तरफ से, डू वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट और रजिस्टर अनदर कंपनी टू सेल इन US और अदर मार्केट्स, ये पाकिस्तान से हम सेल कर सकते हैं या नहीं? देखिए पाकिस्तान से रह के आप एक ही अकाउंट से, पाकिस्तान की एक ही डिटेल से, एक डिटेल जो आपने पाकिस्तानी कंपनी की क्रिएट की है अपने लिए, जिससे आपने US का अकाउंट बनाया या UK का अकाउंट बनाया, वो एक ही पाकिस्तानी कंपनी डिटेल से आप 20 से ज्यादा मार्केट्स में सेल कर सकते हैं। आपको अलग अकाउंट पाकिस्तान में बनाने की जरूरत नहीं है, या डिटेल्स पाकिस्तान की दूसरी डिटेल्स नहीं चाहिए, एक ही सेट ऑफ डिटेल्स आप लेंगे, उसी से आप 20 मार्केट्स में सेल कर सकते हैं। शुक्रिया। एक और सवाल है कि शाह गुलफाम की तरफ से कि एक थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद ये हो रही है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही सिर्फ रजिस्टर कर सकती है इस वक्त, लेकिन चूंकि इंडिविजुअल अकाउंट की बात भी हो रही है, प्रोफेशनल अकाउंट की बात भी हो रही है, तो आया ऐसा ही है कि सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अप्लाई कर सकती है या रजिस्टर कर सकती है इस वक्त अमेजोन के ऊपर पाकिस्तान से, इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। जी मैंने पहले बताया कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी हमें पता लगा, श्रीप सर्वर साहब जो एम्बेसी काउंसलेट में होते हैं उनने भी ये बताया कि अमेजोन ने अब हमें अभी तक जो अलाउ किया है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलाउ की, और उसकी रीजन भी मैंने दी है
कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन एज पर Amazon रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फॉर्म 29, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं Amazon को देने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे या AOP एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप पे अगर आप उस पैटर्न पे अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ही नहीं, तो आप देंगे क्या Amazon को? तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप नॉट गेटिंग योर अकाउंट वेरीफाइड ऑन Amazon। थैंक यू। रेलेवेंट क्वेश्चंस अभी तक यही आए हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारे हेडक्वार्टर से भी कोई क्वेश्चंस हैं सर जमील अहमद साहब की तरफ से। मेरा क्वेश्चन लाइक इट्स जनरल फॉर ऑल दोज हु वांट टू मेक आंसर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट्स। क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली जो हम जो प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है, ऑब्वियसली द कंपनीज जो कि प्राइवेट लिमिटेड, अभी तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए ओपन किया गया है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी सर्टेन लीगल इंफ्रिंजमेंट्स एज वेल, जो कि violations होंगी, तो obviously there will be legal implications or infringements आएंगे, तो how the companies should prepare their legal sections, जो के lawyers होंगे या legal section होगा, उनके लिए क्या preparations होनी, वो क्या करना चाहिए, like how they should prepare in case of any dispute with Amazon, or like जो ADR है alternate dispute resolution का mechanism है, उसके लिए क्या preparation करनी चाहिए, like पहली बात ये कि समझना की जरूरत है कि किस तरह के इश्यूज आते हैं उस प्लेटफॉर्म पे। दो तरह के इश्यूज होते हैं, एक ये होता है कि मैंने प्रोडक्ट भेजी और वो प्रोडक्ट एज इज किसी ने कॉपी कर ली। अब मैं, मेरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो USA है, ठीक है ना, मैं सेल कर रहा हूँ USA में, तो मेरे पास जो कंप्लाइंस है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से, तो वो US की ज्यूरिस्डिक्शन की मुझे कंप्लाइंस रखनी है। अच्छा, US में दो चीज़ें हम जब भी कोई Amazon FBA प्राइवेट लेबल सेल करना शुरू होता है तो पहला काम हम करते हैं अपने ट्रेडमार्क, हमारा जो ब्रांड नेम है उसको हम ट्रेडमार्क कर देते हैं USTPO से, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेडमार्क एंड पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, ये स्टेप लाजम है, इसके बगैर तो हम लाइव भी नहीं जाते। इनफैक्ट हम लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले ये काम कर देते हैं, जैसे हमारी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है क्या लॉन्च करना है, तो ये एक बहुत लाजम है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है। इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे और प्रिविलेजेस Amazon भी देता है कि आप ट्रेडमार्क हैं, आपका ब्रांड है, तो आपको ब्रांड रजिस्ट्री में आपको इन्वॉल्वमेंट देते हैं, देन देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स, वो इस फील्ड में नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन टॉप पे बता रहा हूँ। सेकेंड होता है पेटेंट। अच्छा, पेटेंट जो है USA में पेटेंट डिजाइन या पेटेंट यूटिलिटी, यूटिलिटी तो अब इन्वेंशन की बात होगी, वो तो कोई नहीं करता। अब हम आ जाते हैं कि प्रोडक्ट की जो सरसरी तौर पे डिजाइन पे मैं क्या चीजें अपने ओन कर सकता हूँ, ओनेबल क्या है, पेटेंटेबल क्या है कि ये मैं कंपनी हूँ मैं कर सकता हूँ। तो USA में जो है पेटेंट यूजली सेम प्रोडक्ट हर सेलर भेज रहा होता है, वो चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो, US में हो, कैनेडियन हो, कोई भी हो, तो वहां पर पेटेंट डिजाइन हम नहीं करते। लेकिन UK में हम पेटेंट डिजाइन करते हैं और वो वहां पे प्रोसेस USA से बड़ा सिंपलर एंड इजियर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं ये लॉन्च कर रहा हूं और वहां पे एक चाइनीज सेलर ने क्या किया कि मुझे Amazon को, अच्छा Amazon के अंदर भी बाय द वे ये मैं बता दूं कि कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट का एक प्रॉपर डिविजन है। अगर मैं एक मैं सेलर हूं, मैं ब्रांड ओनर हूं, मैं ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, मैं कह देता हूं कि जी मेरा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हुआ है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट, वो फॉरेन सेलर को बिफोर इवन इन्वेस्टिगेटिंग वो उस कंप्लेंट के बेसिस सस्पेंड कर देगा सेलर को, और फिर वो मौका देगा जी आप अपील करें। आप वो अपील का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें एक प्लान ऑफ एक्शन बनता है, जिसमें फिर वो ये अलग डिटेल की बात, उस पर अलग हम सब्जेक्ट करेंगे। लेकिन Amazon बहुत इस पर सेंसिटिविटी स्कीम की बहुत ज्यादा है, और कभी भी मतलब कुछ ऐसे भी सेलर्स होते हैं वो ऐसे ही कर देते हैं कि जिसने मेरी इमेज को कॉपी कर लिया या इसको सेल कर लिया।
तो हम क्या करते हैं, हम अपने पास हर चीज डॉक्यूमेंटेड रखते हैं, चाहे वो कमर्शियल इनवॉइसेस हो, चाहे वो हमारी अपनी लीगल एंटिटी की डिटेल्स हो, डॉक्यूमेंटेड रहती हैं, उनका ऑनलाइन और डिजिटल फुटप्रिंट भी मौजूद होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी यूएसए में है तो वो यूएसए में मेरी कंपनी मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, वो देख सकते हैं। मैं यूएसटीपीओ का उनको रेफरेंस दे सकता हूँ, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का नंबर दे सकता हूँ, वो देख सकते हैं, उनके पास सारा एक्सेस होता है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से हम क्या रेडीनेस है। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था कि हमारे पास माशाल्लाह से ट्रेडमार्क और आईपीओ के भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो भी अच्छा कर रही है, दे हैव ऑल्सो आउटलाइंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। तो विद इन पाकिस्तान जो है वो जो भी सेलर है उन जो मैन्युफैक्चरर है उनको अपनी ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स को करना चाहिए एडवांस में, पेटेंट के हवाले से देखना चाहिए कि किस लेवल पे पेटेंट जाके कर सकते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, वो आपकी फिर अगेन ज्यूरिस्डिक्शन वही होगी। लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान की जो आईपीओ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कुछ वर्क कर रही है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पे कि वो अपने ज्यूरिस्डिक्शन पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान का अगर कोई ट्रेडमार्क है तो वो कहीं कौन सी मार्केट्स है, कौन सी ऐसी कंट्री में जहां पर वो एप्लीकेबल या वो उसकी रिस्ट्रिक्शन बियॉन्ड पाकिस्तान से भी जा सकती है, उसके ज्योग्राफिक एक्सपेंशन मिल सकती है। तो वो अलग डिटेल्स हैं जिससे जाएंगे, लेकिन ये मोटी मोटी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है और इस हिसाब से ही अपनी विद इन पाकिस्तान एंड यूएस एंड यूके या जर्मनी जहां पर भी हम जाएं तो हम तैयारी कर सकते हैं। जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। देखें, मुझे जो क्वेश्चन से समझ आई है वो ये था कि जो प्राइवेट लिमिटेड एससीसीपी हमें बनवा के दे रही है और डॉक्यूमेंटेशन दे रही है, हमें लीगली उस पे कुछ चेंजेस की या क्या अमेज़न के पर्सपेक्टिव से हमें एससीसीपी से रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत या कुछ इस तरह है? देखिए, जो कंपनी फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट है ना हमारा, उसका कंसर्न सिर्फ एक हो सकता है डायरेक्टली अमेज़न से कि जो पेमेंट आनी है सेलर को उसके अकाउंट में, वो पेमेंट अगर फॉर एग्जांपल अमेज़न होल्ड कर लेता है, और ये क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि अगर अमेज़न की आप कोई वायोलेशन करते हैं और आपके पास उसकी पेमेंट आउटस्टैंड कर रही है, फॉर एग्जांपल जी $10,000 जो उसने आपको पे करना था नेक्स्ट पे आउट प्लान के ऊपर आफ्टर 14 डेज, लेकिन आपने उसकी वायोलेशन की है, तो क्या अमेज़न राइट अवे आपकी पेमेंट दे देगा, या अगर वो लेट देगा तो कब देगा, और अगर नहीं देगा तो क्या एससीसीपी से हम कोई रेगुलेशन ऐसी रेगुलेट करवा सकते हैं कि Amazon को वो कांटेक्ट करे कि वी नीड द पेमेंट फॉर दैट सेलर? ओके, इसमें अब एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि Amazon की पॉलिसी है कि Amazon आपको 90 डेज में पेमेंट रिलीज करता है अगर वो अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता अपील के बाद। ठीक है, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है ड्यू टू एनी वायोलेशन और वो अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होता तो उसमें जितने भी फंड्स हैं Amazon उनको 3 महीने तक होल्ड कर लेता है 90 डेज तक, और 90 डेज के बाद वो अवेलेबल होते हैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए। नाउ अब रिसेंटली एक बहुत अमेजिंग अपडेट आई है, मैंने ड्रॉप शिपिंग का आप लोगों से भी पहले भी शेयर किया कि बड़ा रिस्की मॉडल है और मैं उसके हक में बिल्कुल पर्सनली नहीं हूं क्योंकि उसमें अमेजॉन टर्म्स ऑफ सर्विसेज 98% वायोलेट होती है। तो अभी हमने ये देखा है कि अमेजॉन रिसेंटली हैज गॉट दैट मच स्ट्रिक्ट कि अगर ड्रॉप शिपिंग के सिनेरियो में, यानी किसी के ब्रांड को आपने कॉपी किया है या उसको बेचा है और वो फेक था जो सेलर ने रिसीव किया, तो ऐसे केसेस भी आए हैं कि अमेज़न ने पेमेंट होल्ड कर लिया फॉर गुड, अमेज़न हैज नॉट रिटर्न्ड। तो फिर वहां लोगों ने केसेस अपने लॉयर्स के थ्रू कराए जिनके बड़े फंड्स पड़े थे वहां पे कि वी नीड आवर पेमेंट बैक, और फिर अमेज़न से केस फाइट किया और उसके बाद जाके पेमेंट रिलीज हुई। तो ऐसे केसेस भी आए हैं। तो द आंसर वुड बी कि वी नीड टू बी वेरी सेफ एंड वेरी एग्जैक्ट इन आर सेलिंग वे, प्राइवेट लेबल करें, ड्रॉप शिपिंग ना करें और अच्छा प्रोडक्ट दें, अमेज़न की पॉलिसीज को वायोलेट ना करें, और दैट्स व्हाट आई कुड से। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अगर कोई और, जी 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 सर, जी सर प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो मेनली टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्टर हैं, उनकी कैपेसिटी है कि वो अमेज़न पे करें और भी प्रोडक्ट्स की है, लेकिन हमारा 50%+ जो हमारी एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल की है, तो उनके बायर्स ऑलरेडी जहाँ जहाँ अमेज़न काम कर रहा है उधर उनके बायर्स ऑलरेडी हैं, और एक वो जो है अमेज़न पे भी आना चाहते हैं, वो अपने बायर्स को भी लूज नहीं करना चाहते, प्रोडक्ट सेम है, तो इस केस में जो है ना, मेरा ख्याल है जैसे आप कह रहे हैं कि अमेज़न के थ्रू अगर प्रोडक्ट सेल करेंगे और वही प्रोडक्ट वो जो उनके बायर हैं उनको भी खरीदते हैं, तो फिर
रखल है, आप इस पे थोड़ा कमेंट कर देंगे ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको पता चले कि किस तरह ये होगा। जी मैं आपको उस पर, बहुत अच्छा सवाल है वैसे, और ये सिर्फ सर टेक्सटाइल में लिमिटेड नहीं है, ये हम काफ़ी कैटेगरीज में देख रहे हैं जहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, और वो चाइनीज हमारा सेम सप्लायर जो है, मैन्युफैक्चरर है, वो उसी में खुद भी सेल कर रहा होता है, उसमें फिर ऑब्वियसली एक प्राइस वॉर शुरू हो जाती है क्योंकि उनको एक एज होता है। बट सवाल आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि क्या वो जो उनके करंट सेलर्स जो बायर है वो ऑलरेडी अमेजोन पर सेल कर रहे हैं, और अगर वो खुद सेल करना चाहे तो कोई क्लैश तो नहीं आएगा? देखिए क्लैश के लिए होता ये है कि एक तो पहली बात ये कि उनका राइट है, वो कर सकते हैं, वो उनको कोई आपस में अनलेस कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो कहें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म भी है कि लेट से मैं एक्सक्लूसिविटी रखता हूँ, मैं आपका बायर हूँ और अमेजोन पे मैं ही सेल करूंगा .com पे, लेट से अमेजोन यूएसए में, अमेजोन की भी डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है ना, .com है, .co यूके है, .germany है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है, तो आप अनलेस उस बायर ने उनको लिमिट किया और उस सप्लायर ने अग्री किया हुआ कि जी मैं इस .com पे नहीं सेल करूंगा, कोई लीगल बाइंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस तरह का कोई रिटन डॉक्यूमेंट है अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ही हैज ऑल राइट टू गो देयर। अच्छा अब सेम प्रोडक्ट में क्या कि यूएसए में सेम प्रोडक्ट लेकिन ब्रांड नेम डिफरेंट है, आपका आइडेंटिफायर डिफरेंट है, आपका यूपीसी कोड डिफरेंट है, आपका एसएन डिफरेंट है, तो वहां पर आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहां पर आप कोई बेडशीट है, बेडशीट को मैं पेटेंट कितना करूंगा, सारी बेडशीट एक ही जैसी है। अब इवन यूके में तो हम यहाँ तक, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने कोई 25 प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल की हमने यूके में लॉन्च की हैं, 25 प्रोडक्ट्स, और अगर मैं पूरे अपनी इकोसिस्टम की बात करूँ कि आई कैन सेफ्टी से 50 सेलर्स अपने पाकिस्तानी इस वक्त .com .co यूके पे हैं इस वक्त, और वो टेक्सटाइल भेज रहे हैं। हमने इवन कोशिश यहाँ तक की कि यूके में, क्योंकि यूके में थोड़ा सा, क्योंकि पेटेंट डिजाइन पेटेंट करना आसान है, तो हमने अपने जो क्लाइंट्स हैं या सेलर्स हैं उनको हमने ये कहा है कि उसमें भी हम पेटेंट डिजाइन करवा देते हैं फिर, ताकि अमेजोन को कल को अगर कोई जाके कंप्लेन भी कर दिया, अचानक से उनकी सेल ड्रॉप हो जाए, अच्छे कंप्लेन कर दे कोई डर्टी प्लेयर आ गया, तो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट एंड लीगल एक हमारे पास सिक्योरिटी है, समझ लें कि इंश्योरेंस है हमारी, वो हमारे पास इंटैक्ट है, कल को अगर कुछ भी होता है तो हम अमेजोन को कहेंगे देखें अमेजोन डॉक्यूमेंट्स देखता है, अमेजोन को देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमने पेटेंट डिजाइन किया हुआ और ये यूके की पेटेंट ने ये हमें इशू किया हुआ डॉक्यूमेंट, ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये इशू है। तो बेसिकली हम जबानी कलामी इस तरह से ऑपरेट नहीं करते, हम सारे डॉक्यूमेंटेशन और अपनी प्रॉपर होमवर्क के थ्रू करते हैं और अपने तरह अपने आप को सिक्योर कर देते हैं। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, इफ स्टिल यू नीड मोर क्लैरिटी आई एम हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होंगे और वो अपने बायर्स को भेजे और अमेजोन पे भी बेच रहा हो, बायर्स के अपने रिटेल शॉप होते हैं और वो की सप्लाई कर रहे हैं और अमेजोन की सप्लाई कर रही है, तो इसमें कोई क्लैश तो नहीं होगा? सर क्लैश नहीं है, क्योंकि अमेजोन पे इस वक्त मोर देन 2 मिलियन सेलर्स हैं, और एक अगर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, टावल्स है, टावल्स एक मेरा जो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर है उसे कितने कस्टमर्स होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, लेकिन टावल जो है अमेजोन पे आप सिर्फ एंटर करके देखें टावल थाउजेंड्स ऑफ सेलर बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये मार्केट ओपन है, और ओपन मार्केट का बेनिफिट यही होता है कि सबको इक्वल प्लेयर अपना एक स्पेस मिल रहा है, और अमेजोन रेगुलेटर वहां पर, बाय द वे अमेजोन रेगुलेटर की तरह भी होता है कि मैं ओवर प्राइस भी नहीं जा सकता, मैं लोअर भी, और अपना वो रिलेटिव प्राइसिंग भी रख सकता है कि लेट्स से अगर मैंने बहुत ही ऑफ प्राइस देने से अमेजोन मुझे बाय बॉक्स ही नहीं देगा, ठीक है। ऐसे केसेस भी हुए, इवन FBAPL में भी हुआ है कि वो आपको बाय बॉक्स ही नहीं, मतलब बाय बॉक्स का मतलब ये कि आपको कस्टमर वो बाय नहीं कर सकता, लिस्टिंग नजर आ रही होगी लेकिन वो बाय नहीं कर सकता क्योंकि आपने प्राइसिंग इतनी ऑफ बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले गए हैं, या लोएस्ट में या हाईएस्ट में। तो अमेजोन रिलेटिव प्राइसिंग भी मैनेज कर रहा होता है, लेकिन इट्स बेटर अगर कोई बड़ा सेलर है और आपसे वो बाय का है तो आप उनसे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जरूर लें और उनको जरा कॉन्फिडेंस में ले लें, क्योंकि कल को पता चल जाता है वो मे बी अगर इतना बड़ा सेलर है कि वो अगर आपसे पुल आउट कर जाए आपको बहुत बड़ा हो सकता है। तो एज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट आई वुड से कि उनको एज अ कंसल्टेटिव वे में बता दें कि यार मैं अब एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन आप ये भी उनको कॉन्फिडेंस दें कि यार मैं प्राइसिंग अपनी इतनी लो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर लेट से मैं $10 का भेज रहा हूँ, आप आए आप मैन्युफैक्चरर आपने वो $8 भेज दिया, तो इट मींस और मैं बड़ा सेलर हूँ वहाँ पर अमेजोन के अंदर, तो इट मींस अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं प्राइस कम करूँ, प्राइस कम का मतलब ये कि मैं अभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट करूंगा, तो आप यहाँ पर भी एश्योरेंस दे देंगे देखिए मैं प्राइस अपनी ज्यादा नहीं करूंगा, तो वी हैव इक्वल प्लेयर और मार्केट भी ग्रो कर रही है तो लेट्स ग्रो टुगेदर। तो ये इस तरह से हम इसको मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा मैडम आयशा हुमैरा मोरियानी साहिबा से कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए, अगर मैडम सुन रही हैं। मैडम मैडम आप सुन रही हैं, हमारे साथ हैं जी। मैडम मैडम आपकी आवाज नहीं हम सुन पा रहे अभी तक। माइक उनका सॉरी उनको अनम्यूट किया जाए तो माइक अनम्यूट। जी थैंक यू जी, बिल्कुल बिल्कुल आई कैन हियर यू नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। मैं तो आई एम थ्रिल्ड एंड डिलाइटेड कि फाइनली वी हैव कम यू नो सो फार, और इस तरह के हम डिसेमिनेशन के और ट्रेनिंग के सेशंस कर रहे हैं। एंड आई विश सक्सेस टू ऑल ऑफ यू कि आप इस चीज को और आगे लेके चलें, और इंशाल्लाह और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स आई एम श्योर कि टीडैप अरेंज कराएगा। और एक अमेजोन ने हमें कहा हुआ है कि वो एक बहुत लार्ज स्केल पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेनिंग को फैसिलिटेट करेंगे, तो उसमें भी टीडैप इज इन्वॉल्वड और उन्होंने उसको कोऑर्डिनेट करना है। और आई एम श्योर कि उसमें फिर तमाम चेंबर्स एसोसिएशंस और बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बेनिफिट लेने का मौका मिलेगा। तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट ऑल ऑफ यू आर हियर एंड डूइंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच मैडम। इसके साथ ही मैं अपने सारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया वंस अगेन दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि हम इस तरह के और भी सेशन अरेंज करवाएंगे टॉपिक वाइज, ताकि हम डिटेल में डिस्कस कर पाए। ये तो एक प्रीलिमिनरी एक अवेयरनेस सेशन था, तो आपकी अवेलेबिलिटी उन फर्दर सेशंस में भी आपका हमारे लिए एक ऑनर का बायस हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इसके साथ ही हम ये मीटिंग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।